नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार। आज हम श्री सौरभ सबलुक जी से मिलने जा रहे हैं, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2017 में जो है 124th रैंक हासिल की है, और मैं उनका जो है वेलकम करता हूं। सौरभ जी, आज हम चर्चा करेंगे सिविल सेवा के बारे में कि सिविल सेवा परीक्षा किस तरीके से जो है उसमें जगह बनाई जाए। जनरली स्टूडेंट की बहुत सारी दिक्कतें ही होती, परेशानियां होती कि उन्हें किस तरीके से ऑप्शनल डिसाइड करना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, मुख्य परीक्षा के लिए क्या होना चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, नोट्स कैसे बनाने चाहिए, कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसमें क्या किताबें पढ़नी चाहिए, कब से तैयारी करनी चाहिए, क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, और सिविल सर्विसेज की तैयारी ही क्यों। तो आज हमारा जो ये कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत जो है मैं इन सारे जो है जो अप्रोच है मैं आपको जो है सामने रख रहा हूँ आपके सामने। तो मैं चर्चा की शुरुआत करता हूँ, उसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा कि सबसे पहले मैं सौरभ जी से बोलना चाहूँगा कि वो जो है अपना पृष्ठभूमि के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि क्या उन्होंने किया है, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। जी सर, मैंने क्लास 12 तक अपनी एजुकेशन स्प्रिंगडेल स्कूल न्यू दिल्ली में मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका से। आफ्टर दैट आई वाज वर्किंग इन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड फॉर 1.5 ईयर्स, और फिर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लग गया था। एंड मीनवाइल एक और एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन राज्यसभा सेक्रेटेरिएट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जहाँ मैं अभी प्रेजेंटली भी काम कर रहा हूँ। एंड उसके बाद अब मेरा सफ़र एज अ सिविल सर्वेंट स्टार्ट रहेगा। तो आप इतने प्रतिभा के धनी होते हुए भी आपने जो है सिविल सेवा परीक्षा की तरफ क्यों मुड़ गए, मतलब क्या मतलब इसके पीछे उद्देश्य हो सकता है आपका? सर, इसकी कई वजह थी। सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी फैमिली में 3 जनरेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स रहे हैं। वेरी गुड। मेरे ग्रैंडफादर फ्रॉम माय मदर्स साइड इज एन रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। यस यस। फ्रॉम माय फादर्स साइड ही वाज चेयरमैन ऑफ पीडब्ल्यूडी। माई फादर इज़ फ्रॉम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, एंड देयरफॉर ये वाली लाइफ हमेशा एक्सपीरियंस की थी एज अ ब्यूरोक्रैट, एज अ सिविल सर्वेंट, किस टाइप से काम किया जाता है, किस टाइप का लाइफ स्टाइल रहता है। अच्छा। तो हमेशा से एक इंक्लिनेशन रहा था सिविल सर्विस की तरफ। फिर प्राइवेट सेक्टर में कुछ दौरान जब मैंने काम किया, अच्छा, तो मुझे ये महसूस हुआ दैट जब आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आप एक कंपनी की प्रोडक्टिविटी के लिए काम करते हैं या उस कंपनी के लिए काम करते हैं, उसके प्रॉफिट के लिए। बट वेन यू वर्क फॉर सिविल सर्विसेज या जो आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, तो यू आर वर्किंग फॉर द नेशन और कंट्री एट लार्ज, एंड आप टेंजिबल चेंजेस ला सकते हैं ग्रास रूट लेवल पे, जो कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत मुश्किल है। देयरफॉर आई थिंक एज अ सूटेबल ऑप्शन मुझे सिविल सर्विस अट्रैक्ट किया। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि मतलब सिविल सेवा परीक्षा में जो है आप आपने जो तैयारी जो है कब से स्टार्ट की, कब मतलब कब से शुरुआत की आपने? जी सर, सर मतलब मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था इस बारी, एंड आई वुड से फर्स्ट सीरियस अटैम्प्ट यही था। तो मुझे लगभग 2 साल हो गए थे, एंड इसलिए इस बार मैं क्लियर कर पाया। तो जब आप पहली बार में जब असफल हुए, तो आपको कहीं डर नहीं लगा कि मतलब मैं दोबारा से ये जो करने जा रहा हूँ, क्या मुझे सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था? जी सर, महसूस तो होता है। इनफैक्ट जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया था तो मैं प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर कर पाया था। ठीक है। एंड इवन दो मुझे ऐसा लगा था कि पेपर भी ठीक हुआ है एंड तैयारी भी लगभग ठीक थी, एंड 2 या 3 मार्क्स से मैंने मिस किया था कट ऑफ को। तो समवेयर अलॉन्ग द लाइन ये फील होता है कि एग्ज़ाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, एंड इस बार नहीं हुआ तो क्या गारंटी है कि अगली बार होगा, वो एक माइंड में हमेशा चलता है। जी। बट सर, आई थिंक जब आप तैयारी और अच्छे से करते हैं तो आपका लक भी और साथ देता है। वो कहते हैं ना, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। परफेक्ट, परफेक्ट। तो मेरे हिसाब से वो चीज़ बिल्कुल ठीक है, एंड दोबारा मैंने मेहनत की, एंड इस बार लकीली बाय गॉड्स ग्रेस एंड टीचर्स की हेल्प से पूरी चीज़ एक बार में ही क्लियर हो गई थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए, आप जो है कि आपने जब सिविल सेवा की शुरुआत की, तो उसके बाद फिर आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स डिसाइड किए, मतलब वो मतलब आप तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, फिर आपने सब्जेक्ट्स पॉलिटिकल साइंस डिसाइड कर लिया, क्या उसके पीछे उद्देश्य हो सकता है, क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है? सर, सबसे पहले तो इंजीनियरिंग में मेरी खासकर कभी इतनी रुचि रही नहीं थी, तो इस वजह से मैंने हमेशा ये सोच रखा था प्रिपरेशन के टाइम कि आई विल नॉट टेक अ इंजीनियरिंग बेस्ड ऑप्शनल। जी। एंड जब मैंने जनरल स्टडीज़ पढ़ना शुरू किया, तो उस वक्त मेरे को रियलाइज़ हुआ कि पॉलिटी की तरफ मेरा एक इंक्लिनेशन डेवलप हो गया था। काफ़ी इन्जॉय करने लगा मैं पॉलिटी को रीड करना,
एंड तब उस वक्त क्योंकि मेरा और किसी ऑप्शनल की तरफ कोई खास ऐसा लगाव नहीं था, तो मुझे जो नेचुरल प्रोग्रेशन दिखा वो पॉलिटिकल साइंस में था। पॉलिटिकल साइंस का जब मैंने सिलेबस एनालाइज़ किया तो मुझे दिखा कि इसमें पॉलिटी ही नहीं, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस और भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे खासकर पर्सनली बहुत इंटरेस्ट करते हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जहाँ काफ़ी कम मेहनत के साथ आप काफ़ी ज़्यादा आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जीएस के साथ एक कंसिडरेबल ओवरलैप है, टू दी एक्सटेंट कि शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा GS 1, 2, 3, 4 एंड SA पेपर एंड इवन इंटरव्यू और प्रीलिम्स भी जहाँ पे आपको आपके ऑप्शनल की हेल्प नहीं मिलेगी। अगर मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में बताऊँ तो GS 1 के कुछ पोर्शंस हैं सोशल इश्यूज़ वाले जो ऑप्शनल में कवर हो जाते हैं। SA पेपर में मतलब आप किसी भी साल का उठा लीजिए तो 8 में से कम 3 या 4 टॉपिक्स आपको कोर पॉलिटिकल साइंस के मिलेंगे। जैसे इस बार नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे एक टॉपिक था जो इंटरनेशनल रिलेशंस का था, उसी पे मैंने SA चूज़ किया था। GS 2 आपका कम्प्लीटली पॉलिटिकल साइंस से आप जैसे सर जानते होंगे कम्प्लीटली कवर हो जाता है, आपको GS 2 के लिए कोई एफर्ट ही नहीं डालनी अलग से। GS 3 के भी कुछ इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं जो कवर हो जाते हैं एंड एथिक्स के पेपर में आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एज रहेगा क्योंकि आपको एक फिलोसफिकल बेसिस पता होगा स्टेट की क्रिएशन का और बाकी उस फिलोसफिकल एस्पेक्ट से आप आंसर्स लिख पाएंगे तो आप डेफिनेटली एथिक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। मैंने पर्सनली भी एथिक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर किया और मुझे काफ़ी श्रेय मैं उसका पॉलिटिकल साइंस को देना चाहूँगा। तो यही कई वजह थी सर जो मैंने चूज़ किया और काफ़ी वजह ऐसी थी जो मुझे बाद में हेल्प हुई, तो अल्टीमेटली इट वाज अ गुड थिंग फॉर मी। मतलब कुल मिला के आपका कहना है कि अगर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स अगर हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं जी जी और सर अगर हम ऐसा सब्जेक्ट चूज करते हैं जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है जी सर लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में ज़्यादा है जी जी सर तो आप जो है जगह बना सकते हैं। और मेरा तो मानना ये है कि अगर आप मान लिया सब्जेक्ट्स पॉलिटिकल साइंस लेते हैं और क्वालिफाई हो ही जाएंगे ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूरी है कि जहाँ तक आपका जो सिलेबस कवरेज है अगर आप ठीक से तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जी सर एग्री है इस बात से? बिल्कुल सर, आपने जो बात कही है बहुत सही कही है। इनफैक्ट अभी बीच में कुछ बात ऐसी भी चल रही थी ऑप्शनल हट जाने की और ये, तो उसमें भी मैं महसूस करता हूँ अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो उसका कभी नुकसान नहीं होगा जी क्योंकि इस सब्जेक्ट का कंटेंट इतना रिच है जी कि आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इन एनी ऑफ द पेपर्स एंड इट विल हेल्प यू ओनली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मास्टर्स हैं या ग्रेजुएट हैं इंजीनियरिंग, मतलब मेरे ज़्यादातर फ्रेंड जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है टेक्निकल फील्ड से हैं, साइंस से, इंजीनियरिंग से हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो आई थिंक मेहनत करेगा एंड ठीक तरीके से प्रेजेंटेशन करेगा, गाइडेंस लेगा, कैन डू वेल इन अ मतलब सब्जेक्ट उसका बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, कोई कोई जरूरत नहीं। ठीक है ठीक है, तो अगले हम क्रम में बढ़ते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि जो आपने तैयारी शुरू की है उस तैयारी के दौरान आपने सब्जेक्ट्स डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपने तैयारी प्रीलिम्स की या मुख्य परीक्षा की या इंटरव्यू की किया या तीनों को मिला के तैयारी की? जी सर, सर आई थिंक तैयारी को एक कंसोलिडेटेड अप्रोच ही देना चाहिए इनिशियली तो, एंड अगर आप शुरू में ही उन्हें डिवाइड कर देंगे तो बड़ा मुश्किल रहेगा। आई थिंक आपको स्टेप वाइज चलना चाहिए, इनिशियली आपको पूरा सिलेबस प्रिपेयर कर लेना चाहिए एंड जैसे जैसे जो स्टेप आता है उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। देखो मेरा मानना तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि तैयारी तो सिविल सर्विसेज की इंटीग्रेटेड ही की जाएगी, आप जी उनको अलग अलग बिल्कुल कर ही नहीं कर ही नहीं सकते हैं सकते इंटीग्रेटेड क्योंकि अप्रोच। क्या होगा जब आपका वाइड स्कोप होता है तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे और आप जब चीज़ों का विश्लेषण करना जानते हैं और टॉपिक पर स्टिक रहते हैं सिलेबस पर तो आप मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। इंटरव्यू में अगर आपका आपकी पर्सनैलिटी जब आपके अंदर नॉलेज आ जाती है, जब आप प्रेजेंटेशन करने लग जाते हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व बने रहना चाहते हैं जो मतलब जो है जो मतलब कह सकते हैं कि मतलब सिविल सर्विसेज के लिए जो जरूरत है राइट, उस हिसाब से अगर आपने को ढालने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है सफलता मिलना तय होती है। मिलना मिलना तय, बिल्कुल बिल्कुल आप सहमत है मेरी बात? सहमत हूँ सर। इनफैक्ट मतलब मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरे एग्जाम में फैक्ट्स, नॉलेज और फाइनली ओपिनियन, इन तीनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। तो फैक्ट्स आपके बनते हैं मटेरियल किताबें पढ़ने से, उससे आपको नॉलेज मिलती है एंड अल्टीमेटली टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करने से, न्यूज़पेपर में अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने से, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके ओपिनियंस बनते हैं जो आपके मेंस के आंसर्स में और आपके इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को एक इंटीग्रेटेड मैनर में किया जाए तो ये तभी आई थिंक अच्छा रिजल्ट लाया जाएगा। तो जैसा हम लोग जो है इंटीग्रेटेड तैयारी की हम लोग बात कर रहे थे सिविल सेवा परीक्षा के लिए, इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की हम लोग बात कर रहे थे कि साथ में तैयारी करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो हमको जो है तैयारी करते समय हमें कहीं ना कहीं तो ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम प्रीलिम्स के लिए पास आते हैं तो हमें लगता है कि अब प्रीलिम्स को फोकस किया जाए। तो कुल मिला के मुझे ये पूछना है इनसे कि आप मुझे ये बताइए कि अगर हमें शुरुआत करनी है और हम नए स्टूडेंट हैं तो कहाँ से शुरुआत की जाए? जी सर, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि इनिशियली तो आप सबसे पहले न्यूज़पेपर रीडिंग से स्टार्ट करें। अगर आप बिल्कुल सिविल सर्विस की प्रिपरेशन सोचना चाह रहे हैं तो आई थिंक जब भी आप न्यूज़पेपर स्टार्ट करें वो लेट ही है, तो आप एक हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो भी आपको ठीक लगता है उनमें से कोई एक न्यूज़पेपर स्टार्ट कर लें। टुवर्ड्स द एंड आप उसको दो भी कर सकते हैं जब आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाएं। उसके बाद
आप इंटीग्रेटेड वे में दोनों चीज़ों को प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, प्रिलिम्स और मेंस के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए। जब आप प्रिलिम्स के करीब आ जाते हैं से रफली 3 to 4 months डिपेंडिंग ऑन हाउ कंफर्टेबल यू आर, तो 3 से 4 महीने आपको डेडिकेटेडली एटलीस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रिलिम्स के लिए देने चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा अप्रोच वहाँ डिफरेंट हो जाता है क्योंकि उधर आपका फैक्चुअल नॉलेज पे और आइडेंटिफिकेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस रहता है एज कम्पेयर टू ओपिनियन बेस्ड एंड सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग में। फिर एक बार जब आपका प्रिलिम्स हो जाता है तो फिर आप फुल फोकस रखिए मेंस की प्रिपरेशन में फॉर द नेक्स्ट 4 months एंड आप सब्जेक्टिव आंसर्स की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। बस मेरी एक एडवाइस रहेगी कि ये ज़रूर कर लीजिएगा कि प्रिलिम्स के पहले आप अपने ऑप्शनल को एक बार ज़रूर कंप्लीट कर ले, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाती है अगर आप प्रिलिम्स के बाद करने बैठते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम लोग जैसे इंटीग्रेटेड सिलेबस की बात कर रहे थे, आपने जैसे सजेशन दिया कि प्रिलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी हमें साथ में करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि अगर कोई लड़का जो नए सिरे से तैयारी करना चाहता है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे आज से शुरुआत करनी है, तो स्क्रैच से उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? जी सर, स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए जैसे मैंने बताया कि एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे पहले शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट और कोर एसेंस है इस पेपर का। अगर आप करंट अफेयर्स नहीं जान रहे हैं तो आप प्रीलिम्स में भी नुकसान में रहेंगे, मेंस में भी और डेफिनेटली इंटरव्यू में भी। तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग और करंट अफेयर्स से स्टार्ट कीजिए एंड उसमें भी कोई ऐसा वक्त नहीं है जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि 1 साल का फॉलो करना चाहिए कि 2 साल का। आप जितना लंबे दौरान करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं उतना अच्छा है, बिकॉज यूपीएससी की एक हैबिट या ट्रेंड है इमीडिएट करंट अफेयर्स आजकल कम पूछते हैं, पुराना ज़्यादा पूछते हैं। सो आप कुछ भी जो पढ़ेंगे वो वेस्ट नहीं जाएगा, तो दैट इज़ वन एस्पेक्ट। सेकेंडली आई फील कि आप एक अच्छी गाइडेंस और मेंटरशिप ढूंढने जब आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, उससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। फिर आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स उठाएं हर सब्जेक्ट की, जो स्टैंडर्ड मटेरियल है उसको पढ़ें, उस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग ग्रास्प करें और धीरे धीरे बिल्ड करें अपने कॉन्सेप्ट्स को। एक दिन में सब चीज़ें नहीं बनेंगी, स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा बट धीरे धीरे आप वो चीज़ें अंदर आपके मतलब ड्वेल करने लगेंगी एंड फिर आप वो फ्लो में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो स्टार्टिंग का जो थोड़ा हिकअप है वो आप एक बार निकल जाएं तो फिर बढ़िया रहती है जर्नी। अच्छा, कोई अगर माता पिता ये चाहते हैं कि अगर उनका बच्चा 10वीं और 12वीं से IAS की तैयारी करना चाहता है तो मतलब क्या क्या सलाह देंगे, मतलब क्या आपको क्या लगता है? सर, मुझे लगता है कि अगर बहुत अच्छी बात है अगर कोई 10-12 से ही प्रिपरेशन मतलब उतना फोकस्ड है कोई बच्चा कि वो तब से चाह रहा है कोई चीज़ करना, तो सबसे पहले तो आई थिंक उसको अपनी डायरेक्शन क्लियर कर लेनी चाहिए, उसी हिसाब से उसे अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट लेने चाहिए जो उसको ऑप्शनल में भी काम आए। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल एम कर रहा है तो आई थिंक एडवांटेजेस रहेगा, सर भी अग्री करेंगे अगर वो ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में करे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक न्यूज़पेपर रीडिंग और करंट अफेयर्स फॉलो करते रहें तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया हर चीज़ बिल्डअप होती है करंट अफेयर्स में। आज आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उसका फ्यूचर में या पास्ट में कोई बैकग्राउंड रहा होगा, अगर आप उस बैकग्राउंड से अच्छे से परिचित हैं तो आपको प्रेजेंट पढ़ना और फिर सब्सिक्वेंटली फ्यूचर पढ़ना बहुत आसान रहता है। तो आप करंट अफेयर्स पे अभी फोकस रखें, फिर धीरे धीरे आप सर की गाइडेंस है या जैसे भी आप फिर अपने कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि आप लगातार जो है करंट अफेयर्स को अगर देखते रहेंगे तो फिर आपकी जो है मैच्योरिटी लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा और आप चीज़ों को ठीक से समझने लगेंगे, आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल सर, आई थिंक करंट अफेयर्स को पढ़ने से आपका मैच्योरिटी लेवल ज़रूर बढ़ेगा। अब अगर आप कोई माने स्कीम पढ़ रहे हैं जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पढ़ रहे हैं, तो आपने पढ़ा वो स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की, फिर धीरे धीरे आपको मालूम पड़ा कि गवर्नमेंट को भी मालूम पड़ा कि उसके अंदर कुछ कमियां थी जिसे सुधारने के लिए वो सौभाग्य स्कीम ले आए, तो इस तरीके से आपने भी वो एवोल्यूशन देखा प्रोसेस का कि एक गवर्नमेंट स्कीम आई उसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम्स आई थी कि फीडबैक की वजह से एक दूसरी स्कीम लानी। अच्छा, मेरे एक क्वेश्चन आपसे ये है कि इतना सारा करंट अफेयर्स होता है और कोई बोलता है कि द हिंदू पेपर पढ़ा जाए, कुछ लोग बोलते हैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा जाए, मैंने देखा कुछ बच्चे तो इकोनॉमिक्स टाइम्स की कटिंग्स भी उठा उठा के रख लेते हैं कि उनको अर्थव्यवस्था का खंड तैयार करना है या उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का द हिंदू का सेक्शन तैयार करना है, तो इतना अथा सामग्री वो रखते हैं और डिफरेंट क्या पेपर पढ़ पाते होंगे, आपको क्या क्या फील होता है? सर, आई थिंक 3-3 न्यूज़पेपर पढ़ने का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है, खासकर आप जब शुरू में स्टार्ट करेंगे तो आपको हिंदू ही समझ नहीं आएगा, उसके एडिटोरियल्स ही इतने कॉम्प्लेक्स लगेंगे आपको। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं इकोनॉमी वाले पेजेस तो मैं बिल्कुल स्किप करने लग जाता था क्योंकि समझ नहीं आते थे। तो वो
आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग भी जीएस के साथ इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सब लोगों का कहना तो यही है, कॉन्सेप्ट तो यही मान के चलते हैं कि आप द हिंदू पेपर नहीं पढ़ेंगे तो आईएएस नहीं बनेंगे। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक आप सिर्फ हिंदू न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो भी आप आईएएस नहीं बनेंगे। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज एसेंशियल थिंग बट नॉट सफिशिएंट क्राइटेरिया। मतलब जरूरी है पढ़ना, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है। आप न्यूज़पेपर को एक बेस रखिए, जो चल रहा है आपको पता होना चाहिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मेरा पर्सनल फोकस होता था कि मैं 1.5 से 2 घंटे में न्यूज़पेपर ख़त्म करने की कोशिश करता था, जिसके अंदर मैं फ्रंट पेज नेशनल न्यूज़ को ज़्यादा फोकस देता था एंड इकोनॉमी वाला लास्ट पेज फोकस करता था, बट मैं उसके नोट्स नहीं प्रिपेयर करता था। एडिटोरियल पेज पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता था, क्योंकि मैं एक पॉल साइंस का स्टूडेंट हूँ ऑप्शनल में, तो एडिटोरियल्स के क्वालिटी एडिटोरियल्स जब आते थे, जैसे सुहासिनी हैदर जी ने लिखा है या एम के नारायणन, जो थोड़े पर्टेनिंग होते थे सब्जेक्ट से, मैं उनके नोट्स और की पॉइंट्स लिख लेता था, क्योंकि बाकी न्यूज़ तो किसी ना किसी मैगजीन में, किसी ना किसी मंथली करंट अफेयर्स में आप फॉलो कर ही सकते हैं। तो कुल मिला के आपका कहना ये है कि बहुत सारे पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक भी रेगुलर पढ़ते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो आप आराम से क्वालिफाई हो सकते हैं, बिल्कुल क्वालिफाई। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ सजेशन ये आपसे देना चाहता हूँ कि पेपर पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि जैसे जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पाकिस्तान के आतंकवाद का जो पाकिस्तान का जो रवैया है, तो उरी अटैक और पठानकोट के अटैक के बाद जो है पाकिस्तान के प्रति भारत की विदेश नीति क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है जी। तो मुझे लगता है किसी पेपर के किसी डेट से नहीं लिया गया कि साहब उस दिन के पेपर से ले लिया उठा लिया गया है। करेक्ट। मुझे लगता है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, कि एक टॉपिक को समझने की आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, पेपर की वही डिमांड है, मैं ऐसा महसूस करता हूं। आपको आपका क्या कहना है? आई थिंक सर आपने बिल्कुल सही बात कही है। मेरा ऐसा मानना है, जैसे अगर आप किसी स्टेट सर्विस का पेपर देखें तो वो आपसे मोस्टली फैक्चुअल चीजें पूछते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो आपसे अखबार की हेडिंग के बारे में पूछ लेंगे, वो पूछ लेंगे कि ये इंसिडेंट कब हुआ या ज़्यादा क्यों हुआ, लेकिन उसके एनालिसिस में यूपीएससी जाता है कि इस इंसिडेंट के क्या कारण थे, इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा, दो कंट्रीज़ के बीच में इससे क्या इफेक्ट हुआ। तो उस टाइप के एनालिसिस के लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप कभी भी कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ें तो ज़रूर देखिए इसका बैकग्राउंड क्या था एंड ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, अगर आप लाइन्स के बीच में पढ़ने की कोशिश करेंगे और एनालिसिस समझने की कोशिश करेंगे, खासकर ये चीज़ें एडिटोरियल में आपको हेल्प करती हैं, क्योंकि शुरू शुरू में आपकी तैयारी की आप ओपिनियन नहीं बना पाएंगे चीज़ों के बारे में। तो इन फैक्ट से आपको ओपिनियन बनाने में एक तो टीचर्स हेल्प करते हैं और दूसरा अच्छे एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स पढ़ने हेल्प करते हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होनी चाहिए। आई थिंक मेरा ये मानना है। मैं एक चीज़ आपसे और कहूँगा कि जैसे अभी जैसे आपने देखा होगा कि भारत की जो भारत का जो स्टैंड है हर जगह, चाहे वो इसराइल और पैलेस्टाइन के मामले में हो या फिर आप देखिए सऊदी और ईरान के मामले हो, भारत कहीं जगह बैलेंस कर पा रहा है। ठीक है, आप चाहे चाहे रशिया की बात करें, आप यूएसए की बात करें, तो एक बैलेंस कर पा रहा है, आपने देखा होगा। तो भारत की बैलेंसिंग एक्ट जो है क्या पॉलिसी है, राइट? तो इस प्रकार से मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये एक तरीके समझ विकसित हो रही है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि अगर यूपीएससी आपसे ऐसा प्रश्न पूछता है तो अपेक्षा की जाती का ऐसा आंसर लिख पाएं। यही सर, कहना है ना? बिल्कुल सर, ठीक है। आई थिंक इंटरनेशनल रिलेशंस भी जब मैं आंसर करता था तो एक अच्छा आंसर मेरा यही मानना था, जिसके अंदर आप पहले बैकग्राउंड डिस्कस करें उन कंट्रीज का या थोड़ा सा पास्ट बताएं, फिर आप प्रेजेंट में बताएं कि क्या रिलेशन चल रहा है अलॉन्ग विद सम स्कॉलर व्यूज, एंड कंक्लूजन में हमें हमेशा एक मतलब आई हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि एक फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट भी दिखाना चाहिए दो कंट्रीज के बीच में। जैसे अगर आप इंडिया जापान की बात कर रहे हैं तो कल को जब आर्टिकल 9 हटेगा तो क्या इम्प्लीकेशन होंगी और रिलेशंस और कितने क्लोज हो सकते हैं। तो इस टाइप से आई थिंक अगर आप अपने आंसर को डायमेंशन देते हैं तो एग्जामिनर भी आपकी क्लैरिटी को और अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाता है, जिस तरीके से सर ने बताया अभी। मैं एक चीज़ आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखो क्या ये प्लान सही रहेगा कि जैसे मान लिया मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ और पहले मैं अच्छे से अपने सारे कॉन्सेप्ट्स, सबसे पहले तो मुझे ये समझना होगा कि सिविल सर्विसेज के पिलर्स क्या हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। आज आपने देखा होगा कि जनरल साइंस से ज्यादा प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये अच्छा होगा कि हम पहले पूरी जो तैयारी करें, पहले हम पूरे सिविल सर्विस को ठीक से समझें और समझने के बाद सबसे पहले हम पूरे जो है सिलेबस, मुख्य परीक्षा के सिलेबस को तैयार न करके सिलेबस के जो सिलेबस है उससे रिलेटेड जो है उसके पहलुओं को अगर हम ठीक से समझ लें और जब प्रीलिम्स आने वाला हो तो हम प्रीलिम्स को टारगेट करके प्रीलिम्स निकालें और मेंस का रिवीजन करें, क्या ये सही होगा? बिल्कुल सर, आई थिंक एकदम करेक्ट आपने बात कही है कि जब प्रीलिम्स आ जाए तो फिर आपको और कोई चीज़ सोचनी नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स इटसेल्फ बहुत टफ एक स्टेज है क्लियर करना। वहाँ 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं और जिस हिसाब से सीट्स कम हो रही हैं तो हार्डली 10-12,000 लोग हर साल क्लियर कर रहे हैं। तो तब एक टारगेटेड और फोकस्ड अप्रोच की बहुत ज़रूरत है।
तो उस तरीके से आप प्रीलिम्स को टारगेट करें और फिर उसी चीज़ पे फोकस करें तो बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा बच्चे मैंने आपको इंटरप्ट तो नहीं किया? नहीं नहीं सर बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने देखा है कि बच्चे जनरली उनका अप्रोच ये होता है कि प्रीलिम्स की तैयारी को ज़्यादा फोकस करना है। जी जी। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स के बाद आपके पास समय भी नहीं होता है कि आप इतने समय इतने मैच्योरिटी आप वहाँ जाके डेवलप कर पाएँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप तैयारी करना ही चाहते हैं, अगर आप सिलेक्ट होना ही चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे ध्यान के साथ में अगर आप मुख्य परीक्षा पर फोकस करें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सर आपने की। एक्चुअली क्या होता है कि काफी लोग प्रीलिम्स के विशेष साइकिल में फंस जाते हैं कि वो क्लियर नहीं कर पाते शुरू में एक दो अटेम्प्ट में, तो ये सोचते हैं कि पूरा एग्जाम ही प्रीलिम्स है। हाँ। जबकि एक वजह है जिसकी वजह से मेंस को मेंस कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअली ये कोर एसेंस यूपीसी के एग्जाम की मेंस ही है। प्रीलिम्स में आप चाहे 150 नंबर लाएं चाहे आप 110 नंबर लाएं, एज लॉन्ग एज आपने कट ऑफ क्लियर किया आप इन है। कितने ऐसे टॉपर्स हैं जो एक या दो नंबर से क्लियर करके रैंक वन लाते हैं, अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो आपका मेंस है, और मेंस 4 महीने में ज़रूर है कि नहीं होता। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने 3 किस्म के लोग देखे हैं। एक फर्स्ट टाइप के होते हैं जो 2, 3, 4, 5 बार मेंस दिए ही जाते हैं, और वो तब तक देते रहेंगे जब तक वो इस एग्ज़ाम की डिमांड को नहीं समझेंगे और आंसर क्या मांग रहा है उसको नहीं समझेंगे। एक सेकेंड टाइप के लोग होते हैं जिनको पता होता है लेकिन उनको टाइम की कमी होती है क्योंकि उन्होंने प्रीलिम्स के वक्त प्रिपेयर नहीं किया और सारा उस 4 महीने में ही अपना एफर्ट डाला। एंड देन एक थर्ड टाइप के लोग होते हैं जो पहले भी प्रिपेयर करके रखते हैं और उन 4 महीनों को भी परफेक्टली यूटिलाइज करते हैं। आई थिंक ये जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं यही वो रहते हैं जो फर्स्ट टाइम में मेंस और इंटरव्यू पूरा प्रोसेस क्लियर कर देते हैं। तो उस हिसाब से अगर आपकी अप्रोच रहे तो आई थिंक बेस्ट रहेगा। आपका कहना बिल्कुल सही है, और मैं मुझे ऐसा लगता है कि जब सिविल सेवा की तैयारी की जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेटेरियल कलेक्ट करना मुझे लगता है उपयुक्त नहीं होगा। आपको क्या लगता है? नहीं सर, आई थिंक जब तक आप एक वेटरन प्लेयर नहीं बन गए, अगर आपने सारी चीज़ें अपने पास जितना मटेरियल है या तो आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और आपको बिल्कुल ग्रास्प है, तब आप दूसरा मटेरियल उठाएं। वरना जो प्राइमरी आपके पास एक सोर्स है आप उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ें और क्लैरिटी लाएं, क्योंकि क्या होता है कि हर एक रीडिंग के साथ आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है उस टेक्स्ट में। तो एक बार दो बार पढ़ने से अगर आप पॉलिटी की कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक रीडिंग से या दो रीडिंग से वो कंप्लीट हो नहीं जाती है। तो अपना मटेरियल कंसाइस रखें और गाइडेंस के साथ उसी को पढ़ते रहें। ज्यादा मटेरियल प्रोलिफरेट करेंगे तो वो एक 5-ईयर प्लान बन जाएगा एग्जाम क्लियर करने का। सही बोल रहे हैं आप। अच्छा एक चीज मुझे ये और बताएं कि जनरली मैंने देखा है कि जितने भी बच्चे सिविल सेवा परीक्षा क्वालिफाई होते हैं उनका एक स्लोगन रहता है कि मैंने सारी एनसीईआरटी पढ़ ली है। जी। तो क्या आपकी क्या राय है, मतलब मैं ये जानना चाहता हूं, और कहां तक ये सत्य है? सर पर्सनली मैं आपको बताऊं तो सबको सुनना अच्छा लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ लो। अगर आप किसी को गाइडेंस दे रहे हैं और आप उसको ना बताएं कि एनसीईआरटी पढ़ो, उसे लगता है कि यार ये तो चीट कर रहा है, मैं ठीक ठीक बात बता नहीं रहा है। बिल्कुल। तो बताना ही पड़ता है कि भाई पढ़ लो एनसीईआरटी, को नुकसान तो नहीं है। बट मेरा सर ऐसा मानना है कि कोई खास फायदा भी नहीं है। दो तीन ऐसी एनसीईआरटीज हैं जो मे बी कुछ यूज हैं, यूजफुल हैं। ज्योग्राफी की हो गई, मॉडर्न इंडिया, मुझे लगता है हिस्ट्री की हो सकती है, हिस्ट्री की हो सकती है। बट इवन उसमें भी सर आपने ऐसा महसूस किया होगा कि वो मोर लाइक अ स्टोरी बुक है, उसमें से फैक्ट्स उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। आप पहले कोई और मटेरियल पढ़े फिर एनसीईआरटी पढ़े तो एट टाइम्स वो ज्यादा यूजफुल होता है। तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटीज पे फोकस कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो एक फ्रूटलेस एफर्ट है। आप उसको देख के चलें जो सर बता रहे हैं या जो बाकी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं उन्हीं को कवर करें, और बार बार एनसीईआरटीज को करके या सिर्फ एनसीईआरटीज को करके अगर आप चाह रहे हैं या आप एम कर रहे हैं कि आपका प्रीलिम्स मेंस या इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही कठिन है। अच्छा आपने देखा होगा कि बच्चे 3-3, 4-4 साल तैयारी करते हैं और बच्चे सोचते हैं कि 3-4 साल तैयारी करके हम आईएएस बन जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, और उसके बाद वो प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रीलिम्स के पेपर को समझ नहीं पाए हैं इसलिए क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, अनवांटेड मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है? जी सर बिल्कुल। आई थिंक जब तक आप इस एग्जाम की डिमांड को नहीं समझेंगे आप ये एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते। ये बहुत ही मतलब आई वुड से मतलब बहुत दुख की बात है कि बहुत लोग इतना प्रिपेयर करते हैं वो तब भी क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन समवेयर और दी अदर आपकी मेहनत आपके रिजल्ट के प्रोपोर्शनल नहीं होगी अनलेस आप सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे। सही बात है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एग्जाम के फॉर्मेट को, पैटर्न को समझें। जैसे सर ने अभी बताया कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। मेरी सर से अभी कुछ टाइम पहले बात हो रही थी तो सर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको एक जानवर का यू नो आइडिया लेना है तो आप उसका पैर फील करें या आप उसकी हाथ फील करें तो आपको वो अंदाज़ा नहीं होगा जब तक आप उसको दूर से ना देखें। चीज़ों को जब आप बहुत नज़दीकी से देखते हैं तो समवेयर दिखाई नहीं देता, तो थोड़ा दूर ले जाके उसको एक होलिस्टिक अप्रोच में देखना बहुत ज़रूरी है। तो उस तरीके से आप जैसे सारे सिलेबस को एक इंटीग्रेटेड वे में प्रिपेयर करें, आप सिलेबस से देखते जाएं और आप साइमल्टेनियसली क्वेश्चंस भी देखें प्रीलिम्स में क्या पूछ रहे हैं। आपने मॉडर्न इंडिया प्रिपेयर किया, पिछले 5 साल के क्वेश्चंस उठा के देखें कि क्या ट्रेंड है, किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आप सही डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी मैन्यूवर करें।
तो मेरा ऐसा लगता है। मेरा मेरा कहना आपसे अगला प्रश्न ये है कि देखो जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, कम समय में करना होता है। आजकल आप देख रहे हैं कि पेपर का जो पैटर्न है लगातार बहुत टफ होता जा रहा है, क्वेश्चन का जो क्वेश्चन का जो करने का मतलब मैं कह सकता हूँ कि टॉपर की भी मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है 55-60 करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी एक जो फिर भी बच्चे क्वालिफाई तो हो ही रहे हैं, तो मेरा अपना मत तो ये है कि अगर स्टूडेंट जो है थोड़ा बेसिक जो है कुछ पिलर्स तैयार कर रहे हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पिलर्स तैयार करने के बाद भी कुछ उसको हटके करना है। हटके करने का मतलब जो है उसको करंट अफेयर्स को ठीक से अप्रोच करना है। करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि सब पढ़ ले, करंट अफेयर्स का मतलब है कि डिमांड क्या है, अगर उस हिसाब से अगर वो तैयारी करता है और थोड़ा मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेता है, थोड़ा एमसीक्यू सॉल्व कर लेता है, तो मुझे लगता है प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है। बिल्कुल सर, आई थिंक प्रीलिम्स का एक बहुत बड़ा हवा बना दिया गया है जो एक्चुअली है नहीं। प्रीलिम्स में आप बेसिकली सारे सब्जेक्ट्स को एक बेसिक लेवल तक तैयार कर लें जितनी ज़रूरत है। अगर आप मॉडर्न इंडिया में पीएचडी भी कर लें या आप इतनी ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर पढ़ लें तो दो क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा सॉल्व कर लेंगे, या हो सकता है तब भी ना सॉल्व कर पाएं। तो किसी भी सब्जेक्ट से इतना इमोशनली मत कनेक्ट हो जाइए कि उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ें। तो हर चीज़ को एक बेसिक आइडिया रखें। उसके अलावा मेरा मानना है कि एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ज़्यादा मॉक पेपर सॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बनेगी और आपका एक सेंस ऑफ एलिमिनेशन होता है जो बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार आपको एक ऑप्शन एलिमिनेट करने से ही आंसर पता लग जाता है, तो वो कॉमन सेंस डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है और पेपर सॉल्व करने से ही होगा। तो आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, जैसे इस साल का जो पेपर है उसको आपको देख के इस तरीके से लगेगा कि यहाँ पे आपको पढ़ाई से हट के या सिर्फ बुकिश नॉलेज से थोड़ा सा हट के यूपीएससी चाह रहा था कि आपकी कॉमन सेंस को भी टेस्ट की जाए। तो आप जितना भी प्रिपेयर कर लें 55-60 क्वेश्चन से ऊपर क्रॉस नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपना स्पेक्ट्रम थोड़ा ओपन ना करें और जब तक आप थोड़ा सा चांस ना लें, आप एलिमिनेट ना करें, कॉमन सेंस ना लगाएं। ये गेम काफी हद तक सर आई थिंक कॉमन सेंस का बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अगली बात मैं आपसे ये जरूर करना चाहूंगा कि मैं पहले पॉलिटी से बात शुरू करता हूँ। जनरली लोग बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी है, साथ मतलब हर मैंने देखा है कि हर कोई स्टूडेंट लक्ष्मीकांत की किताब की बात करता है। मैं पिछले 3-4 साल से जो पॉलिटी के क्वेश्चन देख रहा हूँ तो उनका क्वेश्चन ये होता है कि भाई जो है जो मौलिक अधिकार दिए गए उनका उद्देश्य क्या है, फंडामेंटल राइट्स के ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो कहीं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी कहीं अप्लाइड क्वेश्चन की तरफ नहीं शिफ्ट हो रहा है? बिल्कुल, आपने है? बहुत ही परफेक्ट बात कही। इनफैक्ट मैं बोलने ही वाला था, यूपीएससी कभी भी आपको एक मटेरियल के ऊपर रिलाय करने से मतलब नहीं चाहेगा कि एक ऐसी किताब हो जो पढ़ने से आपका पूरा काम निकल जाए। तो इतना आसान काम तो आपका देखो यूपीएससी नहीं करेगा, एंड प्लस ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इस एग्जाम में एक कुंजी बन जाए जिससे आप सब कुछ सॉल्व कर लें तो फिर वो इंटेलेक्चुअल लेवल के ऑफिसर्स हमें मिलेंगे भी नहीं। तो अगर आप पॉलिटी को खासकर देखें तो मैं मानता हूँ पहले हो सकता है कि एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ने से आपके काफ़ी क्वेश्चन निकल जाते थे, बट पिछले 2 या 3 साल से वो पूरा फोकस कोर पॉलिटी से थोड़ा गवर्नेंस की तरफ मूव हो रहा है, एंड ऑल्सो एक कोर पॉलिटिकल साइंस की या बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक नॉलेज होनी चाहिए उस पर शिफ्ट हो रहा है। मुझे लगता है व्यावहारिक ज्ञान की तरफ डिमांड कर रहा है सर, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा जा रहा है। आप इस बार भी क्वेश्चन देखे तो लॉ लिबर्टी के ऊपर क्वेश्चन है, कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो आपको बता सकते। सही बात है, मैं एक पेपर को देख रहा था तो उसमें था कि हमारा जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी उसके ऑब्जेक्ट्स क्या है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है इस तरीके से। तो जिस बच्चे ने सिर्फ किताबों को रटा है मुझे लगता है कि वो तो कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि उसने तो सिर्फ आर्टिकल रटे हुए हैं, राइट? तो बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाते उसका कारण वो ढूंढ सकते हैं, खुद का रूट निकाल सकते हैं कि मैं क्वालिफाई क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। अगर वो उसका हाल आप लक्ष्मीकांत में देखते तो मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। क्या आप सहमत है मेरी बात? मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर, एक एनालिटिकल बेंट होना बहुत जरूरी है। आप हर चीज बुक से ढूंढेंगे तो आपको जरूरी नहीं है कि वो आपको मिल जाएगी। आपका अगर नॉलेज बेस अच्छा है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अप्लाइड नॉलेज आप कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। आप हर चीज़ बुक से नहीं ढूंढ सकते कि डीपीएसपी पढ़ा उसी का क्वेश्चन आ गया, फंडामेंटल राइट पढ़ा उसी का आर्टिकल नंबर पूछ दिया। इस प्रकार से आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो काफी फ्रूटलेस। तो कुल मिला के प्रीलिम्स का मतलब मेरा ऑब्जेक्ट यही है कि बच्चा जो है वो अच्छे से संविधान को अपने मन में बसा ले, ठीक है, फीलिंग को समझ ले कि भाई उसको क्या वहां पे जो है उसको क्या चीजें मतलब जुडिशियल रिव्यू है तो क्यों है, एक्टिविज्म है तो क्यों है, डीपीएसपी दी गई तो उसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? ये सब चीजों को समझना, ना कि उसको किताबों को रटना है। बिल्कुल सर, है ना? आई थिंक ये बहुत सही बात कही आपने कि ये आर्टिकल्स को रट के बैठ जाना और उस टाइप की नॉलेज आपको बहुत आगे नहीं ले जाएगी। इससे बेटर ये कि आप तो काम नहीं आ रही, अब तो काम नहीं आ रही। आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, आपको उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए और जो उससे रिलेटेड करंट अफेयर हो रहे हैं। अगर आप डीपीएसपी बुक में पढ़ रहे हैं तो उसके रिलेटेड कोई करंट में कंट्रोवर्सी चल रही है, आप जुडिशियल रिव्यू पढ़ रहे हैं तो जुडिशियरी का कोई ऐसा लॉ आया है या कुछ ऐसा जुडिशियरी ने
वर्डिक्ट दिया है जिसको एक्टिविज्म में या कभी कभी ओवररीच भी कहा जा सकता है, तो करंट एग्जाम्पल से लिंक करें और तब अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, तो आई थिंक वो ज्यादा फायदा देगा आपको। सौरभ जी, मैं अगले सेगमेंट में बढ़ूंगा मॉडर्न इंडिया के। जी जी सर, तो मॉडर्न इंडिया के सेगमेंट में आगे बढ़ूंगा। मैंने देखा कि बच्चों को बहुत सारी किताबें बता दी जाती है, हाँ ये रोमिला थापर ले लेना, ये ओल्ड एनसीईआरटी आप खरीद लेना, उसके बाद वो विपिन चंद्रा की किताब तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। तो नया बच्चा तो खरीद तो लेता है वो, क्योंकि उसको भाई सिक्योरिटी लगती है, उसको लगता है कि अगर मैं किताबें खरीद लूंगा तो निश्चित रूप से मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, तो वो खरीद लेता है सारी किताबें। लेकिन मैंने देखा बच्चा पढ़ नहीं पाता है कभी वो किताबों को, क्योंकि इतनी सारी किताबें होती है, समय हमारा कम होता है। मैंने जो महसूस किया है, मैंने अपने टीचिंग के दौरान मैंने ये महसूस किया है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं बनाए जा रहे हैं। देखो एक्सेप्शन हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता हूं, आप उनके पीछे जाएंगे भी नहीं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने चीजों को ठीक से समझ लिया है, सारे इवेंट्स को समझ लिया है कि भाई साइमन कमीशन क्यों आया था या क्विट इंडिया मूवमेंट क्या हुआ था, क्या उसके पीछे उद्देश्य थे, ये समझ लेना जरूरी होगा, ना कि बहुत सारी किताबें पढ़ना, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सर, आप आई थिंक ठीक बात कह रहे हैं। मॉडर्न इंडिया पॉलिटिक्स टाइप के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हर व्यक्ति अपने आप को शेयर समझता है, वो सोचते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना ही है और इसको तो आना ही चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग, चलो पॉलिटी में तो फिर भी लिमिटेड है मटेरियल, मॉडर्न इंडिया में मटेरियल की कोई कमी नहीं है, लोग बीएल ग्रोवर खरीद के ले आते हैं और बहुत सारी बुक्स हैं, टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत आ जाता है, बहुत ज़्यादा ले आते हैं और बुक पढ़ने का आपको वक्त मिलता नहीं। इससे अच्छा आप लिमिटेड सोर्स रखें और उसी की अंडरस्टैंडिंग रखें, तो जितने क्वेश्चंस डुएबल होंगे, जो करने लायक होंगे आपके, वो मिस नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि मॉडर्न इंडिया में अप्रोच ही होना चाहिए कि आप चीजों को समझें, एकीकृत रूप से समझें, ताकि आप मुख्य परीक्षा भी क्वालिफाई कर पाए, ना कि आपका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई करना ऑब्जेक्ट हो। बिल्कुल आप जो है पूरा मतलब जो है पिक्चर को ठीक से समझ लें, और मुझे लगता है टीचर का भी वही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि वो लिखाता रहे क्लास में कि चलिए अब आप ये लिखिए अब आप वो लिखिए, समझ में आ गया। टीचर का देखो, टीचर का ऑब्जेक्ट ये नहीं होता कि अब आप फिफ्थ क्लास में नहीं बैठे हुए हैं, आप केजी नर्सरी में नहीं है कि आपको एबीसीडी लिखाई जाए, आप एक आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास खुद एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि पेपर को समझने का। टीचर एक गाइडलाइंस होता है जो आपको यह बता सकता है कि बेटा आपको पढ़ना यह है, राइट। तो जो इंटीग्रेटेड अप्रोच जो मैंने आपको बताई है कि मॉडर्न इंडिया के लिए हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, और हम उसकी मेंस के लिए तैयारी करें, तो प्रीलिम्स की तैयारी तो अपने आप मुझे लगता है कवर हो जाती है। आई थिंक बिल्कुल ठीक बात सर ने कही है। अगर आप सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज पढ़ेंगे, अगेन वही वाली बात आ जाएगी, स्टेट सर्विस तो ठीक है बट यूपीएससी में बहुत दूर तक आपको फैक्चुअल नॉलेज ले जाएगी नहीं, थोड़ा बहुत आप मुझे लगता है हम कितना याद रख पाएंगे, कितना आप याद रख पाएंगे। बिल्कुल प्रीलिम्स में आपको फिर भी थोड़ा हेल्प हो सकता है, लेकिन मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखें 2017 में सारे मेंस के जो क्वेश्चन आए स्पेशली मॉडर्न इंडिया के, बहुत ही ज्यादा एनालिटिकल बेस्ड थे। अगर आपको कॉन्सेप्ट स्टोरी और पूरी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप एक पॉइंट नहीं लिख पाएंगे। जिस टाइप से क्वेश्चन था, द 18th सेंचुरी वॉज बेहेस्ट विद अ स्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। अब यहाँ आपको कोई फैक्चुअल नॉलेज पता नहीं चल सकती, अगर आपको उस दौरान की हिस्ट्री का और इतिहास का एक्चुअल ज्ञान है कि किस तरीके से नए किंगडम्स आ रहे थे, कैसे वो फ्रैगमेंटेड पॉलिटी थी, तो तीन चार इस पॉइंट में भी आप एग्जामिनर को वो पूरी उस टाइम का एक सिनेरियो एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको वो अंडरस्टैंडिंग हो, तो वो बहुत जरूरी है सर। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने देखा कि लड़के दो दो तीन तीन बार मेंस देते हैं, क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, उसके पीछे मैंने ये महसूस किया है कि जैसे एक क्वेश्चन मैं मॉडर्न इंडिया का डिस्कस करता हूं कि गांधी जी और नेहरू जी के बीच में जो है बहुत सारे डिफरेंसेस थे, उनके बीच में बहुत सारा कंट्रोडिक्शन था, फिर भी उनके टारगेट्स एक थे, इसको एक्सप्लेन करें आप जी सर, कुछ इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें तो वही स्टूडेंट लिख सकता है जिसको समझ है, अदरवाइज तो लिख ही नहीं सकता। बिल्कुल है ना, तो अंडरस्टैंडिंग की बहुत इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि अच्छा, और मैंने एक चीज महसूस की है, ये महसूस किया है कि जो सिलेबस है, मुझे लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ दे रहा है वो, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट। उसने क्या बोला है, स्टेजेस पूछे, उसने क्या बोला है, पर्सनैलिटीज के बारे में पूछा है, राइट। तो वही तो वो बोल रहा है, राइट, वही तो बोल रहे हैं कि आप जो है दोनों चीजों को जो है कंपेरेटिव स्टडी करें, फिर उसके बाद लिखें। तो यही डिमांड है कुल मिला के मॉडर्न इंडिया में, यहाँ पे ये हम इसको जो है इसको यहीं पे रोकते हैं, और मॉडर्न इंडिया के बारे में निष्कर्ष यही है हमारा और दोनों का कि आप जो है ज्यादा किताबें मत पढ़ें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, और फैक्चुअल नॉलेज पे आप मत जाएं, और इस तरीके से आप तैयारी करें। बिल्कुल, और मॉडर्न इंडिया काफी ठीक है, मतलब जो काफी, अच्छा, काफी डुएबल सब्जेक्ट, हाँ मतलब, काफी अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा, और अगर आप यहाँ पे मिस कर गए तो आप आउट भी हो सकते हैं, आउट हो सकते हैं। बिल्कुल सर, ये आई थिंक ऐसा कोर सब्जेक्ट है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्रम में हम देखेंगे तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, थोड़ा हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के खंड में आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत सारी किताबें रख लेते हैं, मैंने देखा हूँ मार्केट में बहुत सारी किताबें, देखो नाम तो नहीं लेना चाहता उस प्लेटफॉर्म पे, और हमारा ये औचित्य भी नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत सारी जो मार्केट में किताबें
है वो आउटडेटेड होती है बहुत सारी, और बच्चे उनको पढ़ते रहते हैं, और जबकि मैंने देखा उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, समझ रहे, कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी जैसे आप देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी आई है, साइबर अटैक अभी हुआ था, तो मैंने देखा प्रश्न कुछ प्रॉब्लम्स में इसी प्रकार से थे। तो यूपीएससी की डिमांड कहीं ये नहीं कि भाई किताबी नॉलेज आपको हो जाए बहुत सारी, राइट। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बच्चों को मैसेज जो आप देना चाहेंगे थोड़ा सा बताएं बच्चों को। जी सर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब मेरे काफ़ी करीबी है और उसको मुझे लगता है मैं डिकोड भी कर पाया हूँ। तो ऑफन आपको कोचिंग सेंटर्स और बाकी टीचर्स ये बताते हैं कि आप कोर साइंस पढ़ें, 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बुक लोग उठा के, सही बात है, गलत बात, इसकी कोई डिमांड ही नहीं है जी। लोग इतना डेप्थ में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं दिल्ली में जी। आप अगर पिछले 5-7 साल के पेपर देखें तो एक भी शायद क्वेश्चन डिटेल बायोलॉजी से, डिटेल फिजिक्स केमिस्ट्री से कभी नहीं आया होगा, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हैं। उनका मेजर फोकस रह रहा है करंट डेवलपमेंट्स पे, स्पेशली टेक्नोलॉजी के साथ। अब अगर साइबर वॉरफेयर पे कुछ चल रहा है, सुपर कंप्यूटर्स पे कुछ चल रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी पे कुछ चल रहा है, सिलेबस जो टर्म्स में दिए हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे कोई करंट अफेयर हुआ है, स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसरो के क्या इनिशिएटिव्स हैं, कोई नया स्क्रैमजेट रामजेट इंजन आया है, कुछ नई लॉन्च व्हीकल आई है, कोई नया सैटेलाइट आया है, उन चीज़ों पे आप फोकस करें, मंथली पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, वो आपको हमेशा ज़्यादा रिजल्ट देगा एज कम्पेयर टू आप जो कोई भी बुक में, कोई भी बुक आई थिंक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ये मेरा प्रीलिम्स के लिए तो मेरा यही है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि सौरभ जी कि अगर आपको तैयारी साइंस एंड टेक की करनी है तो ये मान के मत चले कि प्रीलिम्स की और मेंस की मैं कर रहा हूँ, आप उसको इंटीग्रेटेड तैयारी करें, इसका फायदा दोनों जगह होगा, दोनों जगह होगा। एंड इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ टॉपिक्स मेंशन है सिलेबस में, आप करंट अफेयर्स तो प्रिपेयर करें, थोड़ा बहुत उन टॉपिक्स पर भी प्रिपेयर कर लें, चाहे आप नेट से प्रिपेयर करें, जैसे भी, जैसे अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें अगर आप सिर्फ इसरो की इनिशिएटिव्स पढ़ रहे हैं तो काफी बार आपको समझ नहीं आएगा, अगर आपको लॉन्च व्हीकल्स में क्लैरिटी नहीं है, अगर आपको सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड साइंटिफिक एस्पेक्ट से लेना थोड़ा जरूरी है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में 3-4 पेज के नोट्स बना ले कि क्या चीज है नैनो टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव्स हमेशा आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी नोडल एजेंसी है। आपको नहीं लगता सौरभ जी कि हमारे सिलेबस में तो साफ साफ लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, तो जब सिलेबस में यूपीएससी ने डेवलपमेंट लिखा हुआ है तो फिर हम लोग क्यों भटक जाते हैं? जी सर, वो है मतलब प्रीलिम्स और मेंस में मेरा बस यही डिफरेंस रहेगा कि प्रीलिम्स में आप सिर्फ करंट डेवलपमेंट पढ़ें, मेंस के अंदर आप करंट डेवलपमेंट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर टॉपिक से, स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव ले रहा है उसको एक अप्रोच में, एक सीक्वेंस में आप रखें तो आंसर लिखना जरूरी हो जाता है, मतलब थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। जैसे अगर आप देखें तो बड़ा आसान है साइंस एंड टेक्नोलॉजी आंसर करना, उन्हीं 5-6 टॉपिक्स में से मिला के मैं कंक्लूड ये करता हूं कि अगर आप मेंस का सिलेबस अच्छे से तैयार कर लें तो फिर आपका प्रीलिम्स में काफी आपको हेल्प मिलेगा। आप मुझे लगता है प्रीलिम्स के लिए अलग से तैयारी मत करें, ऐसा तो मैं मान के चलता हूं। बिल्कुल सर, आई थिंक कंसोलिडेटेड अप्रोच रखें, और आप देख रहे हैं तो क्वेश्चंस भी हर साल उन्हीं टॉपिक्स में से आ रहे हैं, या तो नैनो टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन होगा, लास्ट ईयर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे था, इस साल मेरे को लगता है जरूर आईटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, सुपर कंप्यूटिंग वगैरह पे। तो आप सिलेबस में जो 6-7 टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आई थिंक दैट वुड बी मोर देन। अब हम लोग थोड़ा अगले सेगमेंट की ज्योग्राफी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी का मैंने देखा है कि ज्योग्राफी के लिए अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं, जहाँ तक मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, जितने लंबे समय से मैं जो सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने महसूस किया है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है, और जहाँ भी पूछा जाता है एक या दो क्वेश्चन मैप बेस पर पूछा जाता है। अगर आप मान लिया डेली अगर आप करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री सिंगापुर जाते हैं, वहाँ मलक्का स्ट्रेट है, अगर आप साउथ चाइना सी देखते हैं, तो अगर ज्योग्राफिकल का जो लोकेशन अगर आप डेली करंट अफेयर्स के बेसिस पे भी तैयार करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका वो क्वेश्चन तो तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की किताबों को खगालना, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ी जरूरत, मतलब आई थिंक उन बुक्स को टच करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रिस्क और बहुत बड़ा टाइम वेस्टेज। मैंने देखा बच्चे उसको भी पढ़ते हैं, उसको पढ़ रहे हैं, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी की ऑप्शनल की बुक पढ़ रहे हैं जिसका कोई एक्चुअली इंपॉर्टेंस नहीं है, तो अपना समय बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं सर। बिल्कुल, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे अगर एक क्वेश्चन आता भी है तो सर मोस्टली आपने देखा होगा वो बहुत कॉमन सेंस बेस्ड। मैंने बताया आपको कि वो सब जो है अगर आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप 3-4 उसमें डायमेंशन या पॉइंट्स बना के आप आंसर कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो बिना बुक से पढ़े आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक मैं फिजिकल ज्योग्राफी की बात करता हूं तो आपके सिलेबस में मेंस में ओशनोग्राफी दिया हुआ है, क्लाइमेटोलॉजी दिया हुआ है और जियोमॉर्फोलॉजी दिया हुआ है। तो मैंने एनालिसिस करके देखा कि हर साल एक क्वेश्चन चेंज होकर आता है, मतलब कभी ओशनोग्राफी से आएगा तो फिर जियोमॉर्फोलॉजी से आएगा। करेक्ट। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप वो तीनों टॉपिक ठीक से अच्छे से तैयार कर ले तो प्रीलिम्स में जनरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चा एक दिन में तैयार न कर ले, एक दिन में तैयार,
समझ रहे हैं, जिसने अगर अच्छे से पढ़ा है ज्योग्राफी को, तो मेरा हमेशा ये सजेशन रहा है बच्चों को कि आप फिजिकल ज्योग्राफी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, जिससे आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही क्वालिफाई हो जाएगा। और बाकी के एरियाज को मैं थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ कि देखो आप अनवांटेड सब पढ़ेंगे तो मुझे तो नहीं लगता है, कहीं तो लिमिटेड होना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी पे आपको जोर देना है, और जहां तक इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में भी हमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पर ही ज्यादा फोकस करना है। तो ज्योग्राफी को आप ऐसा मत करें कि हमें ज्योग्राफी का एक्सपर्ट बनना है तभी हम सब कुछ कर सकते हैं, थोड़ा लिमिटेड तैयारी करते हैं। और आपने ज्योग्राफी में चीज और देखी होगी कि मुख्य परीक्षा में सब कुछ क्वेश्चन किताब से तो नहीं आ रहे हैं, राइट? तो थोड़ा सा हमें ये डाइवर्ट होना होगा कि जैसे मॉनसून आ रहा है तो क्या मॉनसून पे क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हो रहा, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किताबों से तो नहीं आ रहे हैं, क्या सहमत हैं? बिल्कुल सर, मैं जैसे बहुत लोग कहते हैं कि 9 10th 11 12th की आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ लें तो उससे काम निकल जाएगा, बट मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन देखिए इतने डायनामिक हो रहे हैं, कभी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आ रहे हैं, अर्बन हीट आइलैंड, बहुत ऐसे नए टॉपिक्स हैं जो न्यूज में भी चल रहे हैं, तो केवल एनसीईआरटी या केवल बुकिश नॉलेज इनफ नहीं होगी, थोड़ा आपको जैसे आई थिंक एलनीनो पे सवाल आया, बिल्कुल सही बात है, तो वो उस टाइम एलनीनो न्यूज में चल रहा था, तो इवन ज्योग्राफी का एक करंट अफेयर्स वाला डायमेंशन है, तो अगर आप थोड़ा करंट अफेयर्स को देख के भी स्टैटिक पोर्शन प्रिपेयर करते हैं तो वो डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन सही करने में जरूर और हेल्प करेगा। नहीं, मैंने हमेशा बच्चों को एडवाइस किया कि आप फिजिकल ज्योग्राफी में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें हमेशा क्लास में, और मेरा हमेशा अप्रोच यही रहा है, और मैं हमेशा एडवाइस भी देना चाहता हूँ, और ज्योग्राफी को मतलब एक लिमिटेशंस के तौर पर पढ़ा जाए, क्योंकि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, ना कि हमें पीएचडी करना है उस सब्जेक्ट्स में। बिल्कुल, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक सर बिल्कुल सही बात आपने कही कि एक जनरलिस्ट पर्सपेक्टिव रखना बहुत जरूरी है, अगर आप उस सब्जेक्ट के अंदर घुस जाए तो आप बहुत टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि हम जीएस का पेपर दे रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। बिल्कुल, तो बच्चों का यही थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं कि वो उनको लगता है कि नहीं साहब ये किताब जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम क्वालिफाई नहीं होंगे। जी सर, तो ज्योग्राफी कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि ज्योग्राफी का फिजिकल ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि देखो फ्लक्चुएशंस तो कभी भी होते हैं किसी सब्जेक्ट से, तो हम ये मान के नहीं चल सकते कि नहीं साहब इसके ज्यादा आएंगे इसके कम आएंगे, तो ज्योग्राफी आपका स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। लेकिन ये पोर्शन करेक्ट, फिजिकल ज्योग्राफी आई थिंक सबसे कॉन्सेप्चुअल और इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, और मुझे लगता है यूपीएससी इस पर फोकस करता बहुत ज्यादा, राइट? मेंस में तो खासकर मुझे लगता है कि जैसे अभी देखा होगा कि अभी मैं अभी जो दो चार दिन पहले न्यूज में देख रहा था, शायद 15 दिन पहले भी न्यूज हो सकती है, साउथ अफ्रीका में कैपटाउन सिटी में बहुत ज्यादा वाटर क्राइसिस चल रहा है, राइट? वाटर क्राइसिस। अब मुझे इसको ज्योग्राफी और क्लाइमेट चेंज से अगर मैं इसको रिलेट करूंगा और तो मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण होगा, क्वेश्चन में से मेरे इंटरव्यू के दिन पूछा गया। अच्छा अच्छा, कि वर्ल्ड वाटर डे था उस दिन 22 मार्च को। जी जी, तो उस टाइम क्राइसिस चल रही थी बैंगलोर में भी वाटर की, एंड सिमिलरली केपटाउन में साउथ अफ्रीका में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आई थिंक इसमें ज्योग्राफी और एक सोशल डायमेंशन दोनों इंक्लूड हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मल्टीपल डायमेंशन को जो यूज करके यूपीएससी की आदत है क्वेश्चन बनाने की, वो आपने बहुत अच्छा एक एग्जांपल उसका लिया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि वो ऐसी ब्यूरोक्रेसी की तलाश कर रहे हैं जो किताबी ना हो, है ना? बिल्कुल, स्पॉन्टेनियस आंसर और स्पॉन्टेनिटी में जो चीज है वो बुक्स में आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल, तो मतलब मैं कहना चाहता हूँ ज्योग्राफी में हम लोगों ने कुछ आप सजेशन देना चाहें तो बताइए कि हम लोग परफेक्ट हैं ज्योग्राफी तक। बिल्कुल सर, आई थिंक जो आपने बताया है मेरा यही मानना था, मैंने तो इसी हिसाब से। ठीक है, चलिए तो अब हम सेगमेंट में बढ़ते हैं इकोनॉमी के। बिल्कुल, आपने जनरली देखा होगा कि जितने भी बच्चे जो है इकोनॉमी की तैयारी करते हैं सबका पहला क्वेश्चन होता है इकोनॉमी बहुत वीक है। तो वो फिर आपने देखा होगा, मैं किताबों के नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मैं देखा होगा कि बहुत मोटी मोटी किताबें खरीद लेते हैं, उनको लगता है कि ये सारी किताबें पढ़ ली जाएं तो हम इकोनॉमी के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये बात कहना बहुत जरूरी होगा कि यूपीएससी का एक सबसे 2-3 साल से जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ उसमें इकोनॉमी के जो टर्म्स जो चर्चा में चल रहे हैं जनरली वही पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल सही, वही पूछे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक लड़का पेपर को ठीक से पढ़ लेता है, राइट, क्योंकि मैंने देखा है जनरली पेपर्स में जैसे मान लिया बैंकिंग से रिलेटेड आया तो आजकल पेपर वाले भी इतने वो हो गए कि वो रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, वो खुद ही दे देते हैं, वो खुद ही एक्सप्लेन कर देते हैं, आपने महसूस किया होगा। तो मेरा अपना मानना है कि अगर आप इकोनॉमी में करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार कर रहे हैं, चीजों को देखो पैनी निगाह तो होनी चाहिए आपकी, राइट? अगर आपकी इकोनॉमी में पैनी निगाह है और आप ठीक से पेपर पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी क्वेश्चन आप प्रीलिम्स में भी कर पाएंगे और मेंस में भी कर पाएंगे। आप कहां तक सहमत हैं? मैं बिल्कुल सर से सहमत हूँ कि आई थिंक इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ यूपीएससी आपसे कोई वहाँ स्कॉलर बनने की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा, वो नहीं चाह रहे हैं कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट बन जाए। बेसिकली आपको स्टैटिक नॉलेज उतनी होनी चाहिए जितना आपको करंट अफेयर समझने में काम आए, मेरा यही मानना है। अगर न्यूज़ में कोई बिल आया जैसे बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी कोड आया तो आप उस पर फोकस करें, उससे रिलेटेड जो कोर टर्म्स हैं कि बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी में क्या डिफरेंस है, इन चीज़ों को आप ज़्यादा हाईलाइट करें। बैंकिंग सेक्टर में आप पढ़ रहे हैं तो आरबीआई जो रिफॉर्म्स ला रहा है और जो भी कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स हैं जो न्यूज़ में चल रहे हैं आप देखें तो उसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं,
और आप उसी का एक बैकग्राउंड पढ़ लीजिए कि CRR, SLR, जो भी टर्म्स यूज हो रहे हैं उस सेक्टर में, आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए स्टैटिक का, बाकी आपका मेजर फोकस करंट पे रहना चाहिए, तो वो आई थिंक मेरे सबसे इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है मुख्य परीक्षा में सिलेबस पे अगर आप इकोनॉमी के पोर्शन में सिलेबस पर थोड़ा फोकस करेंगे, और जो करंट साल में जो चर्चा में चीजें रही हैं, जैसे मान लिया अभी ब्रिजिक का पता होगा आपको, जी ना, हाँ हाँ, तो ऐसे टॉपिक हैं, और जैसे अभी बैंकिंग का क्राइसिस काफी, एनपी का प्रॉब्लम आपको पता होगा, राइट, बिल्कुल, तो एनपी का प्रॉब्लम है, तो ये सब चीजें अगर आप चर्चा में है, सबका सॉल्यूशन अगर आप देखते हैं क्या क्या सरकार कर रही है, सरकार के इनिशिएटिव्स क्या हैं, तो मुझे लगता है कि आप प्रश्नों को कर पाएंगे इकोनॉमी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आई थिंक आप एकदम ठीक बात कह रहे हैं कि आजकल न्यूज़पेपर्स में भी इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया है और इकोनॉमिक इश्यूज इतने ज्यादा पर्टिनेंट हो गए हैं और इतने ज्यादा न्यूज में चलते हैं। मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी के लिए जरूरी भी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आगे जाके जो है आप आज के ब्यूरोक्रेसी की ऐसी डिमांड है कि उसको सारे फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, एनवायरमेंट का होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, तो मुझे लगता है इकोनॉमी इसीलिए इंपॉर्टेंट है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। सर इकोनॉमिक्स तो आई थिंक ऑलमोस्ट एंशिएंट मेडिवल टाइम से भी हर जगह इंपॉर्टेंट ही रहा है, और अभी भी आप सारे ऑफिसर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी काम करते हैं, RBI में भी सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं, तो इकोनॉमी की नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर जैसे आपने सवाल पूछा, मेरा ऐसा मानना है कि आजकल के टाइम्स में कोचिंग सेंटर्स का बहुत प्रोलिफरेशन हो गया है, एंड मार्केट में बहुत टाइप की कोचिंग्स हैं, इनफैक्ट हर सिटी में ऑलमोस्ट नंबर ऑफ कोचिंग्स हैव स्टार्टेड अप। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ नॉट द कोचिंग, बट कौन से टीचर्स आपको वहाँ पर गाइड कर रहे हैं, वहाँ की फैकल्टी कैसी है, एंड हाउ मच कैन यू बेनिफिट फ्रॉम द कोचिंग, इट इज़ पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग बिना कोचिंग के भी कर लेते हैं, कुछ लोग कोचिंग के साथ भी नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली एक पर्सन स्पेसिफिक चीज़ है। कोई भी कोचिंग या कोई भी टीचर आपको एग्जाम नहीं क्लियर करा सकता, आपको खुद ही ये एग्जाम क्लियर करना है, और आपको अल्टीमेट फाइनल एफर्ट आप ही की होगी, बट डेफिनेटली आपको गाइड करने में और आपको एक डायरेक्शन देने में कोचिंग और इन जनरल टीचर का बहुत खास रोल होता है। तो इफ़ यू हैव अ सेट ऑफ गुड टीचर्स जो आपको अच्छा गाइड कर सकें, जो आपको मोटिवेट कर सकें, एंड आप कंटिन्यूसली उनके साथ टच में रह सकें, तो आई थिंक उस टाइप का एक यू नो मेंटरशिप और गाइडेंस आपको बहुत जरूरी और बहुत हेल्पफुल रहेगा सिविल सर्विसेज में। ठीक है, एक आखिरी प्रश्न आपसे जो है, आखिरी तो नहीं, दो तीन प्रश्न और अभी थोड़ा सा आगे हैं, मैंने आपको बहुत समय ले रहा हूँ, नहीं नहीं सर, आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, नहीं नहीं राइट, ये जो है बहुत धैर्य रखे हुए हैं आप। तो अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जो है अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी में किसका कंट्रीब्यूशन रहा और कितना कंट्रीब्यूशन रहा, मतलब जो है? जी सर, मेरी तैयारी में मतलब बहुत ज़्यादा तो मैं सिंस मैं काफ़ी पीरियड जॉब भी कर रहा था, तो उसके साथ मैंने प्रिपेयर किया, तो मल्टीपल सोर्सेज से मैंने प्रिपेयर करने की कोशिश की, सर से गाइडेंस रही, मैं हमेशा टच में था, एंड आई थिंक जो डायरेक्शन दिखाने में जो रोल रहता है और जो एक आपको एक पाथ काव आउट हो जाता है और आप उस पर खुद कंटिन्यूसली मेहनत करके चलते रहते हैं, मेरे हिसाब से तो वही सर आई थिंक बेस्ट चीज़ है, और मैंने भी वही फॉलो किया। अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि आपका कहने का मतलब है कि जो सफलता है, सफलता में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और सभी चीज़ों का जब एक जुड़ाव जुड़ जाता है, ठीक है, तब हम जाके सफल हो पाते हैं। सफलता के लिए जो है हमें रास्ता जो तय करना है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स मतलब हमारे लिए जरूरी हैं, इसमें गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका बहुत ज़्यादा है ना। अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिल सकती तो बड़ा मुश्किल है आपका एग्जाम क्लियर करना। ठीक है, तो मतलब मेरे कहने तो सर का आपने नाम लिया, मतलब कौन सर की बात कर रहे हैं आप, किस सर की बात? सर आपकी अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सिविल सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात ये है, मैं आपको अपना डिस्कशन आपने सुना होगा, तो इन्होंने जो मेहनत किया, जिस तरीके से उन्होंने सफलता प्राप्त की, और सारी चीज़ों को अगर आप सिविल सेवा में परीक्षा में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो मेरा आपको कहने का मतलब है, कहना ये चाहता हूँ आपसे कि आप जो है तैयारी, एग्ज़ाम की फिलॉसफी को समझें, एग्ज़ाम के नेचर को समझें, राइट डायरेक्शन में काम करें, एक समय सीमा के अंदर, देखो रैंडमली तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल, है ना, रैंडमली अगर आप कुछ करेंगे तो मुझे लगता है कि निराशा हाथ लगेगी। एक डिफाइंड पैटर्न में और एक डिफाइंड स्ट्रैटेजी के साथ चलना बहुत जरूरी है। तो अब मैं समापन के दौर में हूँ, बिल्कुल बस अब सेशन को समाप्त करता हूँ, अंतिम शब्द आपके जो आप कहना चाहें, हमारे जो भी यूथ्स हैं जो हमारे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहें, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये रहेगा दैट दिस एग्ज़ाम या ये एग्ज़ाम आप तब क्लियर कर सकते हैं जब आपको बिलीफ है कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, ये एक चीज़ है। सेकेंड चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोसेस को एंजॉय करें, जितने लोग इस बात को जानते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है वो ये ज़रूर कहेंगे दैट इट इज़ नॉट दैट वन डे ऑफ द एग्ज़ाम या वो एक हफ्ता मेंस का नहीं है, इट इज़ दैट एंटायर जर्नी जो आप जाते हैं, व्हाट मेक्स यू व्हाट यू आर। तो आप एक
ह्यूमन बीइंग या एक पर्सन से स्टार्ट करेंगे जो एक कॉलेज स्टूडेंट होगा मे बी, बट अल्टीमेटली जब आप एक सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और एक जर्नी है जो आपको पूरी क्रॉस करनी है। इसमें बहुत अप्स होंगे, बहुत डाउन्स होंगे, तो आपको खुद को मोटिवेट करना है और आप यू हैव टू बी यू नो सेंसिटिव टूवर्ड्स योर सेल्फ ऑल्सो। आप रोज अपने आप को 18 घंटे पढ़ने को फोर्स करेंगे या 16 घंटे तो वो भी बड़ा दिक्कत वाली बात है। मेरे को लगता है सर रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एंड अपने आप को एक यू नो स्पेशली फॉर दोज पीपल जो जॉब भी कर रहे हैं उनको बहुत टाइम की बाउंड्रीज होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, सो यू कैन नॉट बी वेरी हार्श ऑन योर सेल्फ एंड आप एक डेफिनेट स्ट्रैटेजी में चलें और पढ़ते रहें एंड आई एम श्योर यू विल टेस्ट सक्सेस। एंड आई हैव हैड अ वेरी एवरेज एकेडमिक बैकग्राउंड एंड पर्सनली आई फील अगर मैं कर सकता हूँ तो सही डायरेक्शन और गाइडेंस के साथ कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो फिर समापन के दौर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि आपने एक ऐसे व्यक्तित्व से आज आपने जो है मुलाकात की, राइट। भले ही हम जो है जैसे वीडियो सेशन के माध्यम से आपके सामने, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जो बहुमूल्य समय निकाला और हमें समय दिया, इतना कीमती समय होने के बावजूद जी है, तो मैं धन्यवाद देता हूँ सौरभ जी को। और मैं आप लोगों को यही बस सलाह देना चाहता हूँ कि देखिए जो कुछ करना है वो सोच समझ के करें और थोड़ा ठीक से करें। ठीक से करने का मतलब है कि फिलॉसफी को समझें और उसको, मैं आपको बार बार वही बता रहा हूँ कि उसके मिजाज को समझें, पकड़ें और राइट डायरेक्शन में काम करें, अपने ऊपर भरोसा रखें, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, धन्यवाद। तो सौरभ जी, जैसा मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग जो है जनरल साइंस की जो सिलेबस में लिखा हुआ है, तो मैंने देखा है कि जनरल साइंस से प्रश्न अपवाद हो सकते हैं, एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन अगर हम उसके पीछे ही भागने लगें तो मुझे लगता है सिविल सर्विसेज से हम दूरी बढ़ाने लगेंगे। तो कुल मिला के हम जो हमारे लिए जरूरत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसके नेचर को समझें, उसकी जरूरत क्या है, और मुझे लगता है कि मुख्य परीक्षा के सिलेबस को आप ठीक से तैयार कर लें, की पॉइंट्स तैयार कर लें, मेन मेन चीज़ें जो चर्चा में चल रही हैं उन चीज़ों को समझ लें, उन पर अगर आप समझ विकसित कर लें तो मुझे लगता है कि आप क्वालिफाई ये टॉपिक पर तो आप बिल्कुल ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं और टॉपिक्स में देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कल्चर की बात करते हैं, आर्ट एंड कल्चर की। बहुत सारी किताबें भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपने देखा होगा एक नोट्स बहुत फेमस है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप भी शायद समझते होंगे। हाँ ठीक है, एक नोट्स बहुत फेमस है जो बहुत चर्चा में रहते हैं, मार्केट में भी चर्चा में रहते हैं और लोग उसकी फोटोकॉपी करा लेते हैं, सब उसको पढ़ना है, बहुत सारी चीजें। मेरा अपना मानना ये है कि कल्चर के लिए अगर आप जो है कल्चर में जैसे डांसेस हैं, पेंटिंग है, उनको आप समझने की कोशिश करें, चाहे मुझे लगता है सोर्स कोई भी हो, लेकिन ये जरूर है कि सोर्स ऑथेंटिक होगा, सारी चीज़ें एक साथ होंगी, महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन अपने आप में तथ्यों का संकलन करना, फैक्ट्स रट लेना से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे तो वो नहीं है। आप कल्चर की रिक्वायरमेंट को समझें कि जैसे मान लिया अपना हेरिटेज है भारत के, भारत में जैसे आपका जो है अजंता एलोरा है, भारत के इतिहास को समझने के बजाय भारत के ये समझें कि भारत की जो कल्चर रहा है वो कैसा रहा है, और एक एक, एक बहुत ज़्यादा इसको ब्रॉड करके ना, एक संक्षिप्त में एग्जाम की रिक्वायरमेंट को हिसाब को देखते हुए एक छोटे से नोट्स तैयार कर लें, बहुत ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट न करें, जैसा मैंने देखा कल्चर के पोर्शन में करते हैं बच्चे जी। तो मुझे लगता है कि अगर कल्चर में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं तो आप कर पाएंगे, मुख्य परीक्षा में भी आप कर पाएंगे और आप निश्चित रूप से अच्छा जो है एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे और लिख पाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, जो भी काम करने की जरूरत है कंसाइज है। आपकी क्या सर? आर्ट एंड कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसमें मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ आपका रिटर्न जो कहते हैं बड़ा लो है, एफर्ट टू रिटर्न रेशियो जिसे मैं कह सकता हूँ। आप इसमें जितनी मेहनत डालें, अगर आप 20 किताबें भी पढ़ दें तो गारंटी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, इनफैक्ट गारंटी ये भी नहीं है कि आप आधे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार का ये टॉपिक है जहाँ पे क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं टाइम्स और कहीं से भी आ जाते हैं, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में। तो यहाँ आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए कि आपको बेसिक आइडिया अच्छा होना चाहिए आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, म्यूजिक और डांस और पेंटिंग्स का। मैं क्या करता था, मेरा ऐसा मानना है कि आप मटेरियल कोई भी रखें जैसे सर ने कहा है, थोड़े से कंसाइज नोट्स बना लीजिए उसका। एक प्रॉब्लम क्या होती है, लोग एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री बिना पढ़े आर्ट एंड कल्चर पढ़ने लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब आपको आइडिया ही नहीं उस दौरान क्या हिस्ट्री चल रही थी, क्या डायनेस्टीज थी, आप पेंटिंग रट रहे हैं, आप उस टाइम का आर्किटेक्चर। तो मुझे लगता है आप ऐसा कहना चाहते हैं, आपका सेंस मैं समझ चुका हूँ, आप ये बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं कि जब आप एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप पढ़ते समय जो है उसके कल्चर के पार्ट को आप फोकस करें। ये आपका कहना है? मेरा एकदम यही कहना है कि आप जब एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप उसमें मेन फोकस अपने माइंड में कल्चर रखिए, कि उस दौरान आप जो भी पढ़ रहे हैं
वहाँ का जो कल्चर था, कोई एक ऐसी स्पेसिफिक अभी जैसे मॉन्यूमेंट आप जो ये बनी हुई कहना चाह थी? रहे हैं कि जैसे दिल्ली सल्तनत है तो हम उसके आर्किटेक्चर को पढ़ लें, आप जी जैसे मुगल्स पढ़ रहे हैं तो मुगल्स में मुगल आर्किटेक्चर पढ़ मुगल लें, मुगल आर्किटेक्चर पढ़ पेंटिंग्स लें, वहाँ पढ़ के लें। पेंटिंग्स पढ़ लें उस समय बिल्कुल का, बिल्कुल राइट? सर, आप जैसे मान दिया आप इंदस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो इंदस वैली सिविलाइजेशन में वहाँ के सिविलाइजेशन में वहाँ का अर्बनाइजेशन क्या था, आज के करेक्ट सर, अर्बनाइजेशन से उसको हम थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल कोरिलेट कर सकते हैं। जी आज जो मुंबई में फ्लड का प्रॉब्लम है उसको हम इंदस वैली इंदस सिविलाइजेशन से बिल्कुल कोरिलेट कर सकते हैं, है ना? है ना? तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा दृष्टिकोण को बच्चों का रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको किताबों में क्यों ढूंढना है, हम अपने कल्चर को समझें अच्छे से, और कल्चर को समझने के बाद जो है उसको हम अपने मन में बसा लें और अपने की पॉइंट्स लिख लें, तो मुझे लगता है कि हम अच्छे से लिख सकते हैं। करेक्ट, और हम किताबों से लिखने की कोशिश करेंगे मुझे लगता है वो याद भी नहीं होगा, नहीं हो पाएगा सर, बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो जाता है एंड आप बिल्कुल रिटेन ही नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आई थिंक सबसे जल्दी इवेपोरेट होता है सब्जेक्ट, आपने कल पढ़ा और आज आप भूल गए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी एक एडवाइस रहेगी आर्ट एंड कल्चर की सबको स्टूडेंट्स को, वो ये है कि इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के पढ़िए। मैं क्या करता था, जैसे क्लासिकल डांस है, आर्ट है, तो आपने जहाँ से भी उनके बारे में मटेरियल पढ़ा है यूट्यूब पे दो दो मिनट की एक वीडियो देख लें, वो बड़ा हेल्पफुल हो जाता है। जैसे आप मोहिनी अट्टम पढ़ रहे हैं तो आप उसमें देख लेंगे डांसर की साड़ी कैसी है, किस टाइप का बॉर्डर है, ज्वेलरी क्या पहनी है, बैकग्राउंड में म्यूजिक क्या चल रहा है। ये दो मिनट की एक वीडियो देखने से आपके माइंड में हमेशा एक विजुअल इम्प्रेस आप ऐसा रह कहना चाहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा चीजों को अगर इस पिक्चर के टाइप में देखेंगे पिक्चर, तो जल्दी आपको याद जल्दी होगा। याद हो जाएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। पेंटिंग्स के नाम गूगल करके उसकी फोटोज देख लीजिए, थोड़ा सा डांस का फॉर्म देख लीजिए किस टाइप से है, तो थोड़ा सा मतलब अदरवाइज ये चीजें याद करने में थोड़ी सी मोनोटनस हो जाती है। बिल्कुल, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बन जाएगा और एट द सेम टाइम आप ज्यादा रिटेन कर पाएंगे। एक पोर्शन इंपॉर्टेंट रह गया है प्रीलिम्स के लिए, वो है करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स। तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स यूपीएससी का मैंने देखा कुछ समय से पैटर्न है कि जैसे कभी मैंने देखा गेम्स के प्रश्न कभी नहीं पूछे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक ऐसा उन्होंने क्या सेट लोग बोलते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम्स कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि कुछ सेट पैटर्न है उनका, उनको तो पता है कि उनको क्या पूछना है, उनकी जरूरत क्या है, फिर हम ऐसा क्यों विश्वास करके चलते कि नहीं कुछ भी आएगा। जी सर, आई थिंक आपने बिल्कुल सही बात कही है। करंट अफेयर्स का एक ट्रेंड है जो चल रहा है जिसमें स्पोर्ट्स वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी नहीं पूछी गई हैं और आई थिंक काफ़ी सालों तक और आगे भी नहीं पूछी जानी चाहिए। नहीं मैं तो खैर देखो इससे तो इत्तफाक रखता हूँ आपकी बात से कि नहीं आएगा ऐसा तो नहीं कह सकता, ऐसा नहीं कह सकते हाँ। क्योंकि एग्जाम इतना अनप्रिडिक्टेबल हाँ, है, अभी नहीं आ रहा, हो सकता है बाद में आए, लेकिन अभी का ट्रेंड अगर देखते चले जी जी तो स्पोर्ट्स वगैरह उस साइड पर कम फोकस है। जनरली जो गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स में जो नए इनिशिएटिव्स हैं, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा फोकस है। एक पॉइंट मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगा, किसी एक मटेरियल पे बहुत ज़्यादा रिलाय मत करें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कुछ ऐसे मटेरियल आते हैं मार्केट में जिनके ऊपर पूरी जनता का फोकस होता है कि साल भर का, पूरे साल भर का, साल भर का कि इसको पढ़ लेंगे तो हाँ। बस हो जाएगा क्लियर, वो शायद किसी एक साल में ट्रू हो गया बिल्कुल, लेकिन अब यूपीएससी मेक्स इट अ पॉइंट कि उसमें से तो कुछ ना है बिल्कुल जो आप पढ़ के जा रहे हैं, तो एंड में है। आपको न्यूज़पेपर रीडिंग और आपकी जो जनरल करंट अफेयर्स है वो ज़्यादा हेल्प करेगी। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि आपका अपना व्यक्तित्व होना चाहिए, दूसरे के व्यक्तित्व से आप आईएएस नहीं बन सकते हैं, है ना? अगर आपको कोई एक मटेरियल बना के दे दे हाँ। तो आपको कोई ज्यादा आगे नहीं ले जा हाँ, सकता। हाँ, हाँ। मेरे मतलब जो है व्यक्तित्व की बात आपने कही कि व्यक्तित्व आपको अपना निर्माण खुद से करना बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है, सही बात है। आपने सर देखा ही होगा यूपीएससी के हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी आप मटेरियल उठा लीजिए ऐसा एक भी मटेरियल नहीं है जिसमें से आपको पूरा पूरा मिल जाए मिल जाए, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहा आपने। तो प्रारंभिक परीक्षा के कुल मिला के ये है कि अगर हम जो है इतने सेगमेंट्स को अच्छे से पिलर को तैयार कर लें तो इससे जो है हमें काफ़ी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में आसानी होगी। और ये कोशिश तो मत करें कि 100 के 100 करके आने हैं, मतलब 100 क्वेश्चंस टारगेट करना है। नहीं, नहीं, नहीं। बच्चा जनरली सोचता है ये छूट गया है, वो छूट गया है, ये छूट गया है, तो मुझे लगता है कि बच्चों को ये ज़्यादा करना चाहिए कि वो सिलेक्शन का सोचे ना कि वो मास्टर बनने का। बिल्कुल सर, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है जो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा कि एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि आप हो सकता है पॉलिटी के एक्सपर्ट हो, आप एक लॉयर हो, आप मॉडर्न इंडिया में आपने पीएचडी की हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, या आप एक इकोनॉमिस्ट हो, आप ये ध्यान रखिए कि यूपीएससी भी कुछ है, उनके क्वेश्चंस आप सारे आंसर कर देंगे तो उनकी भी क्या वैल्यू रह जाएगी। सही बात तो है। कभी भी किसी टॉपिक से या किसी सब्जेक्ट से इतना मत अटैच हो जाइए कि इमोशनल हो जाए आपकी, यार पॉलिटी के 20 क्वेश्चन आए तो ये तो मेरे 20 के 20 ठीक होने ही चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एंड में ये कोई याद नहीं रखेगा, जिद मत बनाए, जिद मत बनाए, ये कोई याद नहीं रखेगा कौन से टॉपिक में आपने कितने सही किए थे, आपका सिलेक्शन मैटर करेगा। तो आप सब कुछ पढ़ें, जो उस दिन आसान आया है पेपर में उसको टारगेट करें, जो डूएबल है उसको टारगेट करें और अपना स्कोर मैक्सिमाइज करें, रादर देन कि एक ही टॉपिक के सारे टफ क्वेश्चन में भी आप लगे पड़े हैं, वैसा ना करें। सारे क्वेश्चन जो ज्यादा डूएबल है पहले उनको करें और बहुत कम भी ना अटेम्प्ट करें, थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस यूज करके कुछ क्वेश्चन जो निकल रहे हैं उनको जरूर निकालें, बट एट द सेम टाइम ऐसा माइंड में कोई नोशन मत लेके चलिए कि 95 ही करने हैं कि 100 ही करने हैं, उस हिसाब से मत करें। आई थिंक क्वेश्चन पेपर की डिमांड को देख के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको डिसाइड करने चाहिए। मुझे कहीं ऐसा भी प्रतीत होता है, मुझे ऐसा भी लगता है कि प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए जो है
जो है आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का जरूर एनालिसिस करें, बिल्कुल, बिल्कुल, उनको समझें कि उसकी जरूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे लगता है फिर तैयारी करें। सर आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, मतलब मेरा तो ऐसा मानना था कि आप मेरे से 2013-14 आप कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं आपको नंबर तो नहीं वो साल जरूर बता दूंगा कि कौन सा साल में आया था, इंक्लूडिंग उसमें क्या ऑप्शन थे। लगता है हम लोग बिल्कुल एग्जाम के करीब पहुंच जाते हैं, एग्जाम के करीब पहुंच जाते हैं। और सर इनफैक्ट एक दो तो ऐसे सवाल हैं जो दोबारा रिपीट भी हो रखे हैं, बिल्कुल सही बात है। पिछले 2-3 साल में मैं ये बताना चाहूंगा 2015 पेपर में 2014 के दो क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हैं, एज इट इज रिपीट हुआ था, एक और सवाल भी, बिल्कुल बिल्कुल 16 में एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ था 15 से जो कि रिपोर्ट के ऊपर था। तो रेपिटेशन तो चलो आप ना एक्सपेक्ट करें लेकिन वो भी एक पॉसिबिलिटी है, वरना उस पैटर्न के ऊपर तो जरूर क्वेश्चन आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे 17 का सर एक एग्जांपल लास्ट देना चाहूंगा, एक 17 में क्वेश्चन आया था जो मैप के बेसिस पे था जिसमें जॉर्डन वगैरह ये सारी चीजें, बिल्कुल बिल्कुल, अगर 2015 का पेपर किसी ने सॉल्व किया था, गोलन हाइट्स वाला वो वाला, और एक आया था उस टाइम क्वेश्चन की कौन सी ऐसी कंट्री है जो इस पर्टिकुलर सी पे ओपन नहीं होती है, तब उसका आंसर जॉर्डन था जो कि 17 में एलिमिनेट हो जाता था। बिल्कुल सही बात। तो पुराने पेपर सॉल्व करने से आपको जरूर 2-3 क्वेश्चन में एक फायदा मिलता है, आप आगे बढ़ते हैं डेफिनेट। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर पेपर टफ आया तो वो तो सबके लिए आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये है कि जो जरूरत है वो पूरी करें, है ना, बजाय कि आप सब कुछ करने का प्रयास करें वो हो नहीं सकता। तो हम लोग प्रीलिम्स के सेगमेंट्स को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम लोग मुख्य परीक्षा की तरफ आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, मुख्य परीक्षा की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए उसका नाम है मुख्य परीक्षा, मेंस एग्जामिनेशन, तो लोग उसको मेंस का मतलब ही मुख्य होता है, राइट। अगर आप उसको मुख्य ले ही नहीं रहे हैं तो फिर आप, मुझे लगता है कि आप उसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि देखिए मेंस एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है राइटिंग, क्योंकि वहां लिखना होता है, लिखना होता है। और मैंने ये देखा है कि जब आप सिविल सर्विसेज मेंस में जाते हैं तो लगातार पेपर होते हैं, आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप चीजों को रिवाइज कर पाए। बिल्कुल, आपके सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि यार ये सब कंटिन्यूस एक साथ पेपर आ रहे हैं, आप कैसे रिवाइज किया जाए। तो मुझे लगता है कि वही स्टूडेंट अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हों, शॉर्ट नोट्स हों और जो परफेक्ट लिख सकता हो, मुझे लगता है कि अंतिम सूची में तो वही होगा। बिल्कुल सर, आई थिंक आपने एकदम सही बात कही है। एंड प्रीलिम्स और मेंस में ये फ़र्क है कि प्रीलिम्स में आपको ज़्यादा नॉलेज की कई कई ज़रूरत पड़ती है, एंड वहाँ गेम आइडेंटिफिकेशन का है, मतलब द ब्यूटी लाइज की चारों आंसर आपके सामने है और आप में आपको उसमें से एक आइडेंटिफाई करना है। मेंस में ऑन द कॉन्ट्ररी क्या है कि टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, आपको उनके कंसाइज नोट्स प्रिपेयर करने हैं, कुछ इतना मटेरियल जो आप एज इट इज एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर लें। और काफ़ी बार आप देखेंगे तो सवाल लगभग मेंस में सिमिलर आते हैं, स्पेशली स्टैटिक पोर्शन के। अब अगर आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पढ़ा है और आपने उस पर 4-5 पेज के नोट्स तैयार किए, या एनजीओस पे 4-5 पेज के नोट्स तैयार करके रखे हैं, तो कुछ भी सवाल आ गया बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द क्वेश्चन आप उसको थोड़ा मैन्यूवर करके लिख पाएंगे। तो कंसाइज नोट्स होना बहुत ही जरूरी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, एंड यही आई थिंक मेरा कहना रहेगा सर। मुझे ऐसा भी लगता है कि जिस लड़के ने प्रीलिम्स से पहले मेंस तैयार कर लिया, ऑप्शनल तैयार कर लिया, उसका जीएस के चारों पेपर तैयार कर लिए हैं, तो उसका इतना वाइड स्कोप हो जाता है कि प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। बिल्कुल सही है ना। और मुख्य परीक्षा के लिए उसको सिर्फ ये प्रेजेंट करना है कि उसके पास की नोट्स हैं और थोड़ा आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करे, किसी सीनियर को दिखाए, वो सीनियर को दिखाए, दिखाए कि भाई कि मतलब जो मैं लिख रहा हूँ क्या सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, क्या ये सहमत है आप इस बात? बिल्कुल सर, आई थिंक किसी टीचर से गाइडेंस लेना है, किसी सीनियर को अपने आंसर खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या आप क्वेश्चन की डिमांड को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बहुत जरूरी है। क्या आपका इंट्रोडक्शन एकदम कंसाइस है, क्या आप मल्टीपल डायमेंशन ला पा रहे हैं, क्या आप एक शॉर्ट और क्रिस्प कंक्लूजन दे पा रहे हैं, और आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, आप अंडरलाइन ठीक से कर रहे हैं, आप वही आंसर कर रहे हैं जो पूछा जा रहा है, ये सारी चीजें आपको आंसर लिख के पता लगेंगी और किसी से इवैल्यूएट करा के। ये बिल्कुल सर आपने सही कहा है। मुख्य परीक्षा में जब जाते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन के बाद हम लौट के आते हैं तो हमें ये नहीं पता होता हमने आंसर क्या लिखा, राइट। हम जब लिख के आ जाते हैं वहाँ तो, लेकिन सबसे खास बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम आंसर लिखते हैं तो प्रश्नों को कई बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होते हैं हम बहुत सारी जल्दबाजी कर जाते हैं कभी कभी, और हम प्रश्न को ठीक से पढ़ते नहीं हैं और हम सिर्फ लिखना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि पड़ोसी ने स्टार्ट कर दिया है, ये हम सोच के हम थोड़ा सा डर जाते हैं और हम लिखना शुरू कर देते हैं, ये बहुत गलत है। क्या इस बात को मतलब सहमत है? कंप्लीटली एग्री करता हूं आपके साथ। मेंस के क्वेश्चन आपको एटलीस्ट 2 बार पढ़ने चाहिए और जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग ना बने उस क्वेश्चन को लिखना मत शुरू करें, क्योंकि क्या होता है अक्सर हम जल्दी में कोई एक टर्म देख लेते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। इससे 2 नुकसान होते हैं, पहला आप क्वेश्चन को गलत पकड़ लेंगे और गलत लिख देंगे, दूसरा अगर आपको मालूम पड़ भी गया तो लिमिटेड स्पेस में आपने वो जगह तो खा ली है। बिल्कुल, अब आप उसको कट करके दोबारा रीस्टार्ट करेंगे तो बहुत इंप्रेशन खराब हो जाएगा आपका, मतलब एक तो स्पेस जाएगी, लिमिटेड स्पेस है, और एक एग्जामिनर पे भी गलत इफेक्ट पड़ता है। तो आई थिंक क्वेश्चन को पढ़ें, उसकी समझ लें और उसके बाद ही लिखना स्टार्ट करें।
बिल्कुल सही। तो कुल मिला के ये है कि मुख्य परीक्षा के लिए मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप तो पहले प्रीलिम्स से पहले तैयारी कर लें पूरी, जी और ये मान के चलें कि मुझे क्वालिफाई होना है, और क्वालिफाई तभी होंगे जब आप मेंस की तैयारी आपकी पहले होगी पहले होगी और आपके खुद के नोट्स होने चाहिए, खुद के नोट्स। ये तो मैं हमेशा बच्चों को हमेशा क्लास में भी बताता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि आप खुद के नोट्स बनाइए तो आप क्वालिफाई होंगे। तो क्या आप सहमत हैं इस बात से? सर मैं बिल्कुल सहमत हूँ। क्यों? अच्छा क्यों, जरूरी क्यों है? जी मेंस के लिए आपके खुद के नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ मतलब मैंने तब डिस्कवर की जब मैंने नोट्स बनाने चालू किए और मैंने मेंस में नोट्स बनाने स्टार्ट किए। तो आप जैसे जैसे नोट्स बनाते हैं आपको और कॉन्फिडेंस मिलता है, आपके वो टॉपिक्स कवर होते हैं। नोट्स बनाना इटसेल्फ एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप उसी तरीके से इंट्रोडक्शन बनाते हैं नोट्स में, रिप्रेजेंटेशंस देते हैं, अपने हाथ के बनाए गए नोट्स आदमी को हमेशा याद रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप कंसाइस में 4-5 पेजेस 6 पेजेस में उस टॉपिक को कवर कर देते हैं। अब लास्ट में अगर आपको कोई टॉपिक रिवाइज करना है, आप उसकी 4 बुक्स उठा के डिफरेंट डिफरेंट पन्नों से रिवाइज नहीं कर पाएंगे कि 2 पेज यहाँ से बनाया, 1 पेज यहाँ से बनाया। एक चीज़ मैंने एक चीज़ और महसूस की, मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट करूंगा, कि मैंने एक चीज़ महसूस की है कि लड़के बहुत सारा पढ़ते बहुत ज़्यादा है लेकिन रिवाइज नहीं कर पाते, इसलिए फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं, राइट? ये सहमत है इस बात से? हाँ सर, बहुत ज़्यादा पढ़ना एक प्रॉब्लम है इस एग्जाम के लिए, और रिवाइज ना करना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। याद नहीं आता एग्जाम, याद नहीं आता। मेरा ऐसा मानना है हमारी जो ह्यूमन ब्रेन है वो एक स्पॉन्ज की तरह है, आप उसमें जितना पानी निचोड़ दें वो धीरे धीरे उसमें से निकलता रहता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस चीज़ को बार बार गो थ्रू करना, रिवाइज करना, चाहे आप 4 ही चीज़ें क्यों ना पढ़ें लेकिन वो 4 की 4 आपको याद हों और आप अल्टीमेटली उसको लिखा है पेपर में, तो वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जीएस के फर्स्ट पेपर पे बात करते हैं कि जैसे आपको पता है कि जीएस का जो फर्स्ट पेपर है हमारा, अच्छा मैं थोड़ा लैंग्वेज पेपर का भी बच्चों को थोड़ा बहुत डर रहता है, जी, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनको हिंदी का रहता है, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश का रहता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी लैंग्वेज के पीछे न पड़ जाएं, अगर आप पिछले 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लें तो मुझे लगता है कि वो लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट है। बिल्कुल सर, मैं दोनों बताना चाहूंगा, इंग्लिश और हिंदी पर्सपेक्टिव से मैं बता देता हूं क्योंकि मैंने यही 2 लैंग्वेजेस का पेपर दिया था, बाकी रीजनल लैंग्वेजेस का मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन इंग्लिश का पेपर कंपैरेटिवली पास करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा, इनफैक्ट उसको फेल करना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि उसमें एक ही क्वेश्चन जैसे 100 मार्क का आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें इतनी सी जगह दी रहती है, 4 लाइन का आंसर रहता है और 25 मार्क आपको अवॉर्ड हो जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ पेपर भी अटेम्प्ट कर दें पूरा 3 घंटे में तो भी आपको कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश का पेपर पास करने। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सिमिलरली हिंदी के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत बार होता है कि हमारा आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाते हैं, लास्ट हिंदी 8th में पढ़ी है, किसी ने 10th में पढ़ी है, तो सिर्फ थोड़ा फोबिया रहता है, थोड़ा फोबिया रहता है, लास्ट में थोड़ा स्ट्रेस बढ़ जाता है पेपर देख के, तो पैनिक कर जाते हैं बच्चे। बिल्कुल। तो इसके लिए बस ये करें कि 1-2 दिन कभी निकाल लें ड्यूरिंग प्रिपरेशन, और प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख लें कि किस टाइप का ट्रेंड है, और थोड़ा हिंदी लिखने की प्रैक्टिस कर लें। मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट करूंगा कि अगर लड़का हिंदी की पेपर सॉल्व करता है और उनको चेक करा लेता है किसी से और उनको लगता है कि 10 साल में उसका सब कुछ सही आ रहा है तो मुझे लगता है कर सकता है वो। बहुत सर, 10 साल तो बहुत ज्यादा ही बता दिया आपने, 5 भी अच्छा, कर ले, अच्छा वो भी बहुत है। अच्छा अच्छा, और मतलब नहीं आप लिख वो थोड़ा तो डरे ना, मतलब अपने आपको, है ना, इसलिए मैंने बताया, नहीं तो फिर वो 2 साल भी कर लेगा तो भी ठीक है, तो भी ठीक, लेकिन उसके अंदर डर दूर हो जाएगा, डर दूर हो जाएगा। 10 साल के पेपर आपने सॉल्व कर लिए तो आपने मतलब इमेंस प्रैक्टिस कर ली। हाँ, मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है कि पेपर पूरा आपको अटेम्प्ट करना है फाइनल डे पे, और उसके लिए आपको इतनी राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी होनी चाहिए कि आप हिंदी लिख पाए और थोड़ा स्पीड में लिख पाए, क्योंकि प्रैक्टिस छूट जाती है। बाकी वो मतलब थोड़ा सा यूपीएससी भी लीनियंट रहता है, अब तो कम कर दिया उन्होंने पासिंग मार्क्स भी, और वहाँ उनकी फेल करने की इंटेंशन भी नहीं रहती है। तो अगर आप ठीक ठाक अटेम्प्ट करके आए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुख्य परीक्षा में हम आगे बढ़ते हैं। तो मुख्य परीक्षा में सबसे पहले हम जीएस के फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। तो जीएस के फर्स्ट पेपर में जैसे हम लोगों ने प्रीलिम्स के समय डिस्कस किया था कि हिस्ट्री कल्चर का जो पोर्शन है और जो भी है सोसाइटी वगैरह है, तो इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, सिलेबस को प्रैक्टिकल अप्रोच में बस फोकस करें और साल भर में इशूज़ को आप अच्छे से तैयार करें, उनके की पॉइंट्स तैयार करें और अपना एक नज़रिया देखें कि जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लोबलाइजेशन है तो वुमेन्स पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, राइट, के जनरेशन में हमारी सोसाइटी आज जा रही है। Correct. क्या आपको नहीं लगता इस तरीके से पढ़ना चाहिए किताबों को छोड़ के? बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ कि अगर आप जैसे टॉपिक ले लें और उसकी एक बुक पढ़ने बैठ जाएं, जैसे तो देखा होगा, मैं इंटरप्ट करूंगा, सॉरी, जैसे इंडियन सोसाइटी की एनसीईआरटी आती है ऐसा कुछ, तो बच्चे उसको पढ़ना जरूरी है, ये फर्स्ट पेपर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मैंने देखा कि जब आप एग्जाम में जाते हैं तो कुछ और ही होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो पढ़ गया तो बेकार था, ये तो कुछ और ही आ गया। बिल्कुल बेकार, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आई थिंक बहुत लोग जैसे एक एक टॉपिक की एक एक बुक पढ़ने लग जाते हैं, ग्लोबलाइजेशन के लिए अलग बुक पढ़ रहे हैं, सोशल इश्यूज के लिए
राम आहूजा ले लेते हैं लोग या कोई बुक। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब मतलब जरूरी नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चंस देखें तो इतना जनरल पर्सपेक्टिव उसमें पूछा जाता है कि आप डे टू डे लाइफ से जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो आप न्यूज़पेपर में कवर कर रहे हैं, वही आप लिख पाते हैं। उत्तराखंड की बाढ़ का क्या कारण है, मुंबई की बाढ़ का क्या कारण है, मतलब क्या उसमें क्या दिक्कतें हैं। तो मुझे लगता है कि जहां विश्व में जहां बाढ़ आ रही है, फ्लड्स जहां पे आते हैं, वहां कैसे मैनेज किया जाता है, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या वीकनेसेस हैं, क्या कमियां हैं उसमें, राइट, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कौन कौन सा एक्ट आया है, राइट, क्या होना चाहिए। मुझे लगता है ये सोचने की जरूरत है ना कि हम किताबों में, किताबों में ये सब मिलता भी नहीं है सर। अच्छा अच्छा, आप कितना ही कवर कर लेंगे, जैसे आपने ग्लोबलाइजेशन की बात की, हो सकता है किताब में उसके 5 डायमेंशन, बिल्कुल बिल्कुल, यूपीएससी उसका एक अलग ही 8वें डायमेंशन। वो तो ये पूछेगा ना कि वुमेन्स पर क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है, बताइए जरा। तो फिर तो आपने किताब पढ़ी तो उसमें तो कुछ था नहीं, था नहीं। तो फिर आप क्या लिख के आएंगे? और सर वुमेन में तो चलो फिर भी थोड़ा कॉमन हो गया, अगर उस पे सीनियर सिटीजन में पूछ लेता बिल्कुल, है बिल्कुल, हाँ। या कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट कर लेता है जो बुक में आपको नहीं मिलेगा, तब आपकी ग्लोबलाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग और इन जनरल सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग से आप 4-5 अच्छे पॉइंट्स क्रिएट करके उस वक्त आंसर लिख पाएंगे। मुझे लगता है आप इसलिए नहीं लिख पाते हैं, एग्जामिनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, इसलिए मुझे लगता है मेन से बाहर आते हैं, मेन से बाहर, क्योंकि आपने ठीक से पढ़ा नहीं, पढ़ा नहीं जो जरूरत थी, राइट। बिल्कुल, हम जीएस फर्स्ट पेपर में तो यही अप्रोच है कि भाई देखिए आपको इस तरीके से काम करना है। हम सेकंड पेपर की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो सेकंड पेपर में आप देखेंगे आईआर है और पॉलिटी है। जी सर। तो कुल मिला के मैं देख रहा हूं कि जैसे देखो पहले उस समय जो था, अभी भी है, यूनियन स्टेट रिलेशन की आप बात करेंगे तो अरविंद केजरीवाल साहब पीछे पड़े हुए हैं कि भाई दिल्ली को स्पेशल स्टेटस, उनको उनको जो है अन्य राज्यों की तरह उनको जो है स्टेटस चाहिए, आपने देखा हो केजरीवाल साहब उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि संविधान में क्या है और आज क्या चल रहा है, ये दोनों चीजों की जरूरत नहीं मुख्य परीक्षा के लिए? बहुत जरूरी है सर। आई थिंक वहीं पे थोड़ा सा बुक्स की नॉलेज उतनी हेल्पफुल नहीं रहती, क्योंकि अगर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के चले जाएं तो मुझे नहीं लगता आज के टाइम आप पेपर टू में एक क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर पाएंगे। एक आध दो ही कोई स्टैटिक क्वेश्चन आ सकता है जिनके अंदर भी कुछ करंट डायमेंशन जरूर रहेगा। तो आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन की एक एसेंस जानना बहुत जरूरी है, और सेम टाइम उसका करंट में जो एप्लीकेशन चल रहा है, जुडिशियरी में जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं एग्जीक्यूटिव के साथ। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा कि जो है मतलब वही डिमांड, वही चाह रहे हैं कि आपको संविधान की जानकारी है या नहीं है, और या जो वर्तमान में चल रहा है उसकी जानकारी है आपको नहीं, यही तो चाहते हैं। बिल्कुल सर, यही चाहते हैं, है ना? जी सर। तो बच्चे को इसी दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए, इसी दृष्टि तभी अच्छा आंसर लिख सकता है। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब अगर वो इग्नोर कर रहा है करंट अफेयर्स को, ठीक से समझ नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्वालिफाई नहीं हो सकता, वो क्वालिफाई नहीं हो सकते और अच्छा जस्टिस भी नहीं कर सकता। वही सर, इनफैक्ट अगर आपने करंट अफेयर्स सुपरफिशियली पढ़े तो हो सकता है आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन सही कर भी जाए, लेकिन मेंस में पटक जाएंगे। क्योंकि अच्छा मान लिया लक्ष्मीकांत आपने पूरा पढ़ लिया तो आप मेंस क्वालिफाई हो जाएंगे? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो लास्ट टाइम के पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बच्चों को सोचने की जरूरत पड़ेगी, भाई थोड़ा सा हमें ये सब अगर क्वालिफाई होना है तो थोड़ा स्ट्रेंथ से पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर ये बुक्स छोड़ दी जाए और सिर्फ करंट अफेयर्स वगैरह पे फोकस किया जाए तो आप बहुत ज्यादा बेटर कर पाएंगे। थोड़ा हम आईआर की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर लेते हैं। देखो इंटरनेशनल रिलेशन उनका अच्छा होता है जिनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स होता है, पूरा पेपर टू ही उनका अच्छा होता है, उनका अच्छा होता है, राइट, क्योंकि उनका वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं वो लोग। दूसरी बात, जीएस में एक पर्टिकुलर सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि जीएस और पॉल साइंस का जो सिलेबस है वो अपनी जगह है, लेकिन अगर हम आईआर के कुछ मुख्य मुद्दे देख लें, राइट, जैसे मान लिया न्यूक्लियर इश्यूज है, जैसे मान लिया अपना जो है न्यूक्लियर इश्यूज के बाद जैसे अभी एनर्जी का मुद्दा चला हुआ था, उसका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मुद्दा चला हुआ है, आप समझ रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है, सीरिया का आप देख सकते हैं, उसके बाद आशियान का आप देख सकते हैं, तो कहीं नहीं लगता है कि चीजें खुद बता रही हैं कि हम इंपॉर्टेंट हैं? बिल्कुल सर, आई थिंक इंटरनेशनल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट से हो जाता है कि कुछ ना कुछ देश विदेश में हमेशा चल रहा है उससे रिलेटेड, एंड आपका जो न्यूज़पेपर है वो एक तरीके से आपका सिलेबस बन जाता है। जब आप वो टॉपिक देखते हैं तो आपको जानना जरूरी है कि ओके प्राइम मिनिस्टर विजिट हुआ इस कंट्री में, या यहाँ के लीडर्स इंडिया आए थे, या कोई कॉन्फ्रेंस हुई है जहाँ हमारे देश ने भाग लिया है इन देशों के साथ। तो वो सारी चीज़ें एक तरीके से आपका सिलेबस बन जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में, जब आप अन्य और टॉपिक्स उससे रिलेटेड पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक जो न्यूज़पेपर में चल रहा है उसके बैकग्राउंड में अगर आप प्रिपेयर करें इंटरनेशनल रिलेशंस को और उसके रिलेटेड प्रिपेयर करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ कंक्लूजन ये है कि अगर आईआर की बच्चे को अच्छी तैयारी करनी है तो वो सिलेबस तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन सिलेबस के साथ साथ अगर वो करंट कॉन्टेक्स्ट में ये समझना जानता है, उसको इतना कॉमन सेंस है कि भाई ये चीज़ महत्वपूर्ण है। अभी जैसे किम जोंग साहब जो है जाके मिले आपको, किम जोंग साहब से ये अपने राष्ट्रपति साहब मिले, ट्रंप साहब मिले, राइट, तो ट्रंप साहब को साहब क्या जरूरत थी कि वो वहाँ सिंगापुर चले गए वहाँ मिलने के लिए, क्योंकि ट्रंप साहब तो आपको पता है सुपर पावर है और वो किसी से ऐसे मिल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जाके मिले। बच्चों को समझना तो चाहिए ना कि बात समझनी चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी इसको टटोलेगा कि नहीं? बिल्कुल टटोलेगा। इनफैक्ट आईआर एक ऐसा टॉपिक है जो मेरा मानना है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में ही पूछा जाता है, और मेरा अपना ऑप्शनल रहा है पॉलिटिकल साइंस, तो मैं इससे कह सकता हूँ कि
केवल पॉल साइंस के स्टूडेंट्स ही नहीं फायदे में रहते, इन जनरल जिसने आईआर पढ़ा है वो हमेशा फायदे में रहता है। इंटरव्यू में शायद ही कोई कैंडिडेट रहा होगा सर जिससे आईआर का कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए करंट में, हमेशा ये चीज डिस्कशन में रहती है और उस वक्त आपका एनालिसिस काम आता है। मुझे लगता है इंटरव्यू बोर्ड भी जो थोड़ा सा फोकस करता है, थोड़ा पूछता तो बहुत फोकस कर रहा है ना, स्टूडेंट से दो तीन क्वेश्चन जरूर होते हैं, जरूर होते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है शंग्रीला डायलॉग में मोदी जी गए, क्या क्या उन्होंने स्पीच दी, वहाँ क्या क्या मुद्दे उठाए, जानना जरूरी है ना सिविल सर्विसेज के बच्चे को। सिविल सर्विसेज का बच्चा उसको किताबों में देख रहा है, उसको पेपर में पढ़ रहा है, मुझे लगता है कि मोदी जी की स्पीच सुने का ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं देखो इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं साहब आप मोदी जी की स्पीच सुने तो ही अच्छा है या उनकी मन की बात सुने, आप भारत के दृष्टिकोण से ये देखें ना कि भारत के लिए क्या अच्छा है, इंडिया के लिए क्या अच्छा है, आप उसको बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखें, राइट। मेरा अपना मानना है आप मतलब कोई गलत मैसेज ये नहीं लगे नहीं साहब मोदी जी की स्पीच सुननी चाहिए, इसका मतलब हम यहाँ पर स्पोक्स पर्सन की तरह बात कर रहे हैं, आप समझे ना इस बात को। आई थिंक सबसे ऑथेंटिक सोर्स है वो तो, कि प्रधानमंत्री की बात आप जान रहे मतलब हैं, आप उनको मोदी जी के रूप में ना लें, प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में जिस ऑफिस को वो होल्ड करते हैं जी, बिल्कुल, रूप में जी, बिल्कुल, जी बिल्कुल। आई थिंक मेरा यही मानना है, इनफैक्ट अगर आप बजट को भी फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच से सुने तो उससे बेटर कोई जरिया नहीं है। मतलब आप ये मत उसमें निकालने के नहीं साहब उन्होंने बहुत बजट अच्छा पेश किया, आप उसको एक ब्यूरोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बिल्कुल आप उसको एनालाइज करें क्या इसमें अच्छी चीजें थी, क्या इसमें ऐसी चीजें थी जिसमें सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल 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 ठीक है। तो मतलब ये है आईआर के लिए जो हम हमारा एक कंक्लूजन बच्चों को यहाँ पे यही है कि आप समझ विकसित करें, सिलेबस को आइडेंटिफाई करें मुझे पढ़ना क्या है और उसकी समझ विकसित करें और अच्छे से अच्छा आंसर आप लिख पाएंगे। करेक्ट ठीक है। चलिए हम अगले सेगमेंट में पढ़ते हैं, जीएस थर्ड पेपर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जीएस थर्ड पेपर में जैसे आपको पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है उसमें, तो हम सबसे पहले इन्वायरमेंट से शुरुआत करते हैं। जी सर, आज आप देखेंगे कि आज इतना विश्व इतना तेजी से बदल रहा है, कहीं पानी का संकट है, कहीं आपने देखा होगा जो एलिफेंट्स का और ह्यूमंस का क्राइसिस है आपस में, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, राइट। और मतलब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिल्ली आप देखते हैं रिपोर्ट्स आती हैं तो दिल्ली का नाम सबसे ऊपर होता है, राइट। और लोग मतलब आप देख सकते हैं कि डेनमार्क वगैरह जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग तो यहाँ आने से भी डरते होंगे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि एनवायरनमेंट पे हमें कहीं ना कहीं ऐसी जरूरत है, अप्रोच की जरूरत है कि भाई आईएसए से अमेरिका क्यों अलग हुआ है, आईएसए का फ्यूचर क्या है, भारत क्लाइमेट चेंज के लिए क्या कर रहा है, ग्लोबल स्तर पर क्या हो रहा है, भारत को क्या करना चाहिए, राइट। सोलर एनर्जी का क्या फ्यूचर है, मुझे लगता है कि ये प्रश्न ही महत्वपूर्ण है मुख्य परीक्षा के लिए। सर बिल्कुल, यही ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, बिकॉज कि हम इकोसिस्टम पढ़ते बैठे हैं, या फिर हम मतलब वो फूड चेन देखें, या फूड वेब देखें कि साहब वो क्या है, या वो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम सब अपने सब पर्यावरण की पूरी किताब पढ़ ली है, तो क्या लगता है कि ये सही होगा क्या? बिल्कुल आपने ठीक कहा, इन सब चीजों से पढ़ के कोई फायदा नहीं है, जो स्टैटिक नॉलेज में घुस जाते हैं फूड चेन फूड वेब क्या है इसका मेंस में तो खासकर कोई ही यूज नहीं है आज के टाइम पे। एंड जो करंट में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस और जो जो कन्वेंशंस चल रही हैं, जो ट्रीटीज साइन हो रही हैं, जो क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही हैं, उसमें इंडिया का क्या रोल है, ग्लोबल क्या रोल चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ जाएंगे तो आपको तो डील करना ही पड़ेगा, आपको तो पता ही होना चाहिए, राइट, क्योंकि बैकअप में तो आप ही रहेंगे पीछे से, जी, जी, और आपको ही जानकारी नहीं तो फिर आप क्या प्रेजेंट करेंगे? करेंगे तो मतलब आप समझ चुके हैं कि मतलब जो इकोलॉजी एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज में क्या जरूरत है, भाई जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी अगर लॉस हो रही तो क्या ह्यूमन इम्पैक्ट क्या होगा, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, राइट, हमारे लिए क्यों जरूरी है और क्या उसके लिए कानून बनाए हैं, ग्लोबल स्तर पर क्या हो रहा है, राइट, भारत ने उसमें क्या काम किया, क्या है, काम किया है और क्या होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये दृष्टिकोण अगर हमारा है तो बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन की तो मुझे लगता है जरूरत है, आपकी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। मैं कंप्लीटली सहमत हूं, है ना। तो एनवायरनमेंट के टॉपिक पे बता, हमारा बच्चों को यही मैसेज है कि आप संक्षिप्त में थोड़ा बताएं। मतलब मेरा यही मैसेज रहेगा जो सर भी कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट के टॉपिक्स पे करंट पे ज्यादा फोकस रखें, इंडिया सेंट्रिक अप्रोच रखें, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टॉपिक्स पे फोकस करें, विश्व क्या कर रहा है, विश्व क्या कर रहा है, ग्लोबल क्या एफर्ट्स हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ट्रम्प साहब आउट हुए तो क्यों हुए, मतलब बाहर गए हैं, स्टेट्स का निकल जाने से क्या इस कन्वेंशन पे या इस ट्रीटी पे इंपैक्ट पड़ेगा, इन चीजों पे ज्यादा फोकस रखें रादर देन जो कन्वेंशनल चीजें जो हमें बुक्स में मिल रही हैं, जो 6, 7, 8, 9, 10 से हम पढ़ते आ रहे हैं, उन चीजों का कुछ खास रेलेवेंस रह नहीं गया है। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था के खंड में इकोनॉमी के पोर्शन को मैं बताना चाहूंगा। इकोनॉमी में मुझे लगता है कि अब मुख्य परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए तो जो जो चीजें चल रही हैं, जो जो पार्लियामेंट में बिल आए हैं इकोनॉमी से रिलेटेड जो है, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जीएसटी हुआ था, क्योंकि जीएसटी ने पूरा वन नेशन और टैक्स रिफॉर्म्स के लिए जो काम किया है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में जो है इसका नाम अभी आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए जाना जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बच्चे को तो समझ तो होनी चाहिए कि जीएसटी की क्या इंपॉर्टेंस और क्या जरूरत है, और डीमोनेटाइजेशन इसलिए नहीं कि मोदी जी लाए, मतलब फिर से मैं उसी बात पे आता हूं, लेकिन इसलिए तो जरूरी है कि आप ब्यूरोक्रेसी में जाके मतलब क्यों किया गया है, आपको तो पता होना चाहिए। आई थिंक दोनों पार्ट्स को एनालाइज बहुत करना जरूरी है, जो प्रोज हैं हर इकोनॉमी में, जो बिल्स आ रहे हैं, जो उसके कॉन्स हैं और जो इंप्रूवमेंट्स उसमें लाए जा सकते हैं। एक प्रीलिम्स के माइंडसेट से बाहर निकलना बड़ा जरूरी है, जो मेंस में आप आ जाते हैं
तो मेंस के एक मोड में घुसना बहुत ज़रूरी है, जिसे मतलब मैं कहना चाहूँगा मेंस का मोड वो होता है जिसके अंदर आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे सकें, आप उसके पॉजिटिव्स एनालाइज कर सकें, आप नेगेटिव्स बता सकें और एक वे फॉरवर्ड दे सकें। ये एक अप्रोच अगर आप रख लेंगे तो सभी आंसर्स में आपको हेल्प मिलेगी। इकोनॉमी में खासकर बड़ा ज़रूरी है इस टाइप से आपको एनालिसिस करना, और यही जो करंट में मुझे लगता है थोड़ा टॉपिक स्पेसिफिक नहीं हो सकते, जैसे G20 की मीटिंग होती है पूरी दुनिया में, सारे जो है ग्लोबल इकोनॉमीज आके वहाँ पे मिलते हैं आके और इकोनॉमिक इश्यूज पे बात होती है, लेकिन आजकल थोड़ा टेररिज्म पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया जा रहा है बजाय कि इकोनॉमिक इश्यूज के, आपको पता होगा। बिल्कुल। और उसके अलावा WTO में हम लोग जाके एजेंडा ले लेते हैं, अमेरिका से हमारा झगड़ा हो जाता है हर बात पे जाके जो है, आपको पता होगा। IMF रिफॉर्म्स की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग WTO रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक स्पेसिफाई इकोनॉमी में कर लिए जाए, बैंकिंग का इशू अभी हो गया, तो मुझे लगता है हम इकोनॉमी क्वेश्चन कर सकते हैं। कर सकते हैं बिल्कुल, जो करंट में चल रहा है और स्टैटिक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे सर ने बताया वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक बैंकिंग सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको करंट के साथ थोड़ी स्टैटिक नॉलेज होनी चाहिए। अब इसे ब्रिक्स बैंक है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है, ये सब, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये नहीं देखना होगा कि ये जो आपका जो अपना वर्ल्ड बैंक है कहीं ना कहीं उसके इसको स्पेस वो ले रही है, ऐसा तो सोचना पड़ेगा ना आपको कहीं ना कहीं कि आखिर क्यों बनाए जा रहे हैं, आपको तुलना तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल सर, कि जब ऐसे इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये इसकी जरूरत की क्या जरूरत है, वो एनालिसिस बहुत जरूरी है। मुझे लगता है यही सोचने की जरूरत है बच्चे, यही सोचने की जरूरत है सर, तो अप्रोच यही तो मुझे लगता होना चाहिए है ना? कि कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सबसे पहले से क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था मतलब मुझे लगता है कि ये सही है और काफी सफिशियंट है, अगर बच्चा करे खुद से घर में अगर तैयारी कर रहा है और इस डायरेक्शन में करता है तो वो अच्छी मतलब जो अच्छी स्थिति में रहेगा वो। करेक्ट सर। अर्थव्यवस्था के बाद हम बात कर सकते हैं साइंस टेक की, तो हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, तो GS थर्ड पेपर मुझे लगता है इतना ही काफी है। अब हम लोग फोर्थ पेपर की चलते हैं, फोर्थ पेपर की बात करते हैं। अच्छा ये बताएं एथिक्स क्यों छोड़ा गया, क्या जरूरी था एथिक्स लाने का? सर जैसे वो कहते हैं ना कि अ मैन विदाउट नॉलेज इज अ पर्सन हु इज क्लेवर बट ही इज नॉट एथिकल, तो सिर्फ नॉलेज या सिर्फ फैक्ट जानने से आप एक इम्पॉर्टेंट सदस्य सोसाइटी के नहीं बन पाते या एक अच्छे सिविल सर्वेंट नहीं बन पाते, क्योंकि आप वो पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ नहीं होल्ड करते। तो एथिक्स का पेपर लाने का यही एक डायमेंशन था, ताकि जो सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेट्स जो आज के टाइम पे आ रहे हैं वो एक एथिकल वैल्यू होल्ड करें, वो सिर्फ एक मटेरियल वैल्यू की वजह से सर्विसेज में ना आए, अपना या किसी एक सोसाइटी या कम्युनिटी के फायदे के लिए ना आए, एक जनरल एथिकल प्रिंसिपल जो कि एम्पैथी, कंपैशन और एक सोसाइटी के ओवरऑल फायदे के लिए काम किया, कार्य किया जाए, इस टाइप का एक ऑफिसर बनाने। मैं थोड़ा लीक सेट के प्रश्न पूछ रहा हूँ, लीक सेट जी, कि क्या एथिक्स का पेपर जोड़ देने से बच्चा अच्छा एथिक्स का पेपर आंसर लिख देने से क्या वो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसका हम जज कर पाएंगे? एक अलग से लीक सेट के क्वेश्चन है ये। नहीं सर, आई थिंक ये इंटेंशन जरूर रही होगी पेपर डालने की, बट ऐसा है नहीं। आई थिंक जो लोग ज्यादा एथिक्स में स्कोर करते हैं वो हो सकता है कि रियल लाइफ में बहुत ही अनएथिकल हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इन दोनों चीजों का कोई खास कोरिलेशन नहीं है। हाँ। लेकिन फिलहाल हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, इस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर कितना एथिक्स है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका आंसर कितना एथिकल है, है ना? तो ये चीज है। तो मतलब मुझे लगता है कि बच्चा अगर थोड़ा अपना आंसर थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर में बिलीव करता हो, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता हो, क्रांतिकारी ना हो, राइट, ह्यूमैनिटी को बिलीव करता हो, राइट, लोगों को समझता हो, मैच्योर हो, राइट, समझदारी वाली बात करता हो, तो मुझे लगता है एथिक्स में अच्छे नंबर ला सकता है। ला सकते हैं सर, बिल्कुल। क्या सहमत है आप? बिल्कुल सर सहमत हूँ मैं। एक दो चीजें कहना चाहूंगा एथिक्स के पेपर में। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक मिथ ब्रेक करना चाहूंगा कि एथिक्स इज नॉट अबाउट कॉमन सेंस। बहुत लोग कहते हैं कि एथिक्स का पेपर तो कॉमन सेंस है, जो भी लिखाएंगे वो ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एथिक्स के पेपर में भी बाकी पेपर्स की तरह प्रिपरेशन की बहुत जरूरत है। सेकेंडली, एथिक्स के पेपर को एथिक्स की लैंग्वेज में लिखें, एथिक्स की भाषा में लिखें। अगर आप एथिक्स के आंसर को GS2 की तरह लिख रहे हैं या GS के आंसर की तरह लिख रहे हैं तो आपको नंबर नहीं देंगे। अगर जैसे आपको किसी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिट को, मानी यूथनेशिया या सरोगेसी को आपको एनालाइज करना है एक एथिकल पर्सपेक्टिव से, तो आपने उसमें सारे सुप्रीम कोर्ट वर्डिट लिख दिए जो इंडिपेंडेंस से हुए हैं, तो वो आपको मार्क्स फेच नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ आपको एक एथिकल डायमेंशन देखना था, एथिकल डायमेंशन ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखना था, उसको एनालाइज करना था, वैल्यू सिस्टम की बात करनी थी, पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ की बात करनी थी और किस तरीके से वो इवॉल्व होना चाहिए। तो उस टाइप का आप एथिक्स बेस्ड आंसर लिखेंगे तभी आपको मार्क्स फेच होंगे। तो ये दो चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा एथिक्स में मैं एक लास्ट चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, सबसे आसान तरीका एथिक्स प्रिपेयर करने का, आप सिलेबस उठाएं और उसमें जितनी टर्म्स दी गई हैं, अगर सर आप उन टर्म्स को भी प्रिपेयर करके उसके ऊपर शॉर्ट एक नोट प्रिपेयर कर लें और दो एग्जाम्पल्स तैयार कर लें, एक एग्जाम्पल कुछ गवर्नमेंट स्कीम से या जो गवर्नमेंट में चल रहा है उससे रिलेटेड और एक अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो आई थिंक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास रेडीमेड एग्जाम्पल्स होंगे।
अदरवाइज क्या होता है सर, पेपर में आपको एग्जाम्पल लिखने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सोचता नहीं है उस वक्त, आप कुछ भी बना के लिखाते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को थोड़ा फायदा तो जरूर होता है, बहुत क्योंकि प्लेटो पढ़ा है उसने, अरिस्टोटल पढ़ा है उसने, जस्टिस पढ़ा है, प्लेटो का न्याय क्या है, अरिस्टोटल किस बात क्या बात करता है, कम्युनिज्म क्या होता है, प्लेटो ने किस कम्युनिज्म की बात की है, उसके बाद बेंथम की बात करेंगे, मिल की बात करेंगे, लिबर्टी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, तो कहीं ना कहीं सेंस मिलता है उसको कि मतलब क्या क्या लिखना क्या है, क्या बताना क्या है। इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, सर ने बिल्कुल सही बात कही है, पॉलिटिकल साइंस का बहुत फायदा होता है। मैं पर्सनली अपने जितने अच्छे मार्क्स आए थे इसमें उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस को एट्रीब्यूट करना चाहूंगा। सबसे पहले जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, जो थिंकर्स आपको प्रिपेयर करने हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है कम वक्त में सारे थिंकर्स को शॉर्ट में प्रिपेयर करना, जो एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो फर्स्टली आपके सारे आंसर्स में और आपकी केस स्टडीज में भी आप एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जोड़ सकते हैं, अच्छे कोटेशंस आपको मिल जाते हैं अगर आपने थिंकर को प्रिपेयर किया है। और सेकेंडली कभी कभी ये चीज़ें डायरेक्टली पूछ दी जाती हैं, जॉन रॉल्स का जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट 2016 के मेंस पेपर में डायरेक्टली पूछा गया है, कौटिल्या के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया उसके करप्शन पे भी। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जब पॉलिटिकल साइंस की हम किताबें पढ़ते हैं तो नए लड़कों के लिए थोड़ा दिक्कत होता है कि जैसे जॉन रॉल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करता है, तो क्या होता है नए लड़के को, क्यों देखो मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मैं आपको बता दूं, और शुरुआत में होता ये था कि प्लेटो ने क्या कहा, अरिस्टोटल ने क्या कहा, कुछ समझ में ही नहीं आता था, ऐसा लगता था ये प्लेटो ने कहा यही अरिस्टोटल ने कहा। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप दिल से पढ़ेंगे कि जैसे जॉन रॉल्स ने क्या कहा, जॉन रॉल्स ने कहा है कि अगर समाज में सोसाइटी में अगर कोई व्यक्ति है जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, अगर ज़्यादा पैसा कमा रहा है लेकिन उस पैसे का फायदा अगर अगर गरीब आदमी को होता है तो उसका ज्यादा पैसा कमाना सही है, सही है। मतलब वो ग्लोबल वो कहीं कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, वो मार्क्स की तरह क्रांति की बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है पॉल साइंस को थोड़ा दिल से समझा जाए, बिल्कुल, और एक ऐसे टीचर की तलाश होनी चाहिए जो आपको इन चीजों को किताब से न पढ़ा के दिल से पढ़ा दे, आप आंसर लिख पाएंगे, बिल्कुल। क्या सहमत है? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिल से जुड़ा हुआ है, और दिल से जुड़ा हुआ है, और जब तक प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल और जब तक आप उसको सही ढंग से नहीं समझेंगे आप उसको जस्टिस कर नहीं पाएंगे और आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अभी आपको यही नहीं पता है लिबरलिज्म क्या है, आपने तो किताब में पढ़ लिया है, आप लिबरलिज्म बात कर रहे हैं, सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, आप सोशलिज्म के साथ आपने डेफिनेशन रट ली है या मार्क्सिज्म को आपने डेफिनेशन रट ली, आप यही समझते हैं डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म होता क्या है, राइट? तो मुझे लगता है कि आप एग्जामिनर को बता नहीं पाएंगे, अगर आपको खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपके आंसर्स में भी रिफ्लेक्ट होगा कंफ्यूजन, बिल्कुल। तो वो क्लैरिटी जब तक आपके मन में नहीं है वो आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, और इसके लिए टॉपिक को पे पकड़ होना बड़ा जरूरी है, उसको अच्छे से अगर आपने समझ लिया। सौरभ जी, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं, वो ये जोड़ना चाहूंगा कि आप देखो जब टीचर कॉपी चेक करता है तो पॉलिटिकल साइंस की कॉपी चेक करेगा तो टीचर चेक करेगा, जी, जी, और टीचर को बहुत नॉलेज होती है, बहुत नॉलेज, और वो टीचर जो है आपकी कॉपी को देख के समझ जाएगा आपका स्टैंडर्ड क्या है। तो मुझे लगता है कि आप कभी भी अगर आप जगह बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट आपको बहुत हेल्प करेगा, इसलिए हेल्प करेगा क्योंकि टीचर आपके साथ जस्टिस करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप क्या लिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मन की बात मैंने कह दी आपसे, जी सर, मैं आपसे कंप्लीटली एग्री, ठीक है ना? तो मुझे लगता है इस ऑप्शनल पर थोड़ा काम करना चाहिए, बहुत बहुत काम, है ना? और ये मतलब यहां जो आप काम करेंगे उसका बेनिफिट आपको जीएस में भी ट्रिकल करेगा, बिल्कुल, क्योंकि देखो जीएस मैंने देखा बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे होते हैं, लेकिन ऑप्शनल में बहुत काम होता है, ऑप्शनल में थोड़ा काम कर दिया जाए तो मुझे लगता है अच्छे मार्क्स लाएगा। मुझे लगता है कि हम कह सकते हैं कि जीएस एक्चुअली कुछ नहीं बल्कि पॉलिटिकल साइंस ही है, और पॉलिटिकल साइंस भी मिनी जीएस ही है, बिल्कुल सही बात। अगर आप दोनों मतलब पॉल साइंस का टीचर कंप्लीट जीएस पढ़ा सकता है कंप्लीटली सर, ये आई वुड कंप्लीटली अग्री कि शायद ही कोई ऐसा ऑप्शनल है जिसका टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता है जो कि पॉल साइंस में पॉसिबल है, बिल्कुल, ठीक है। अगले हम सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, बहुत चर्चा में बहुत मजा आ रहा है मुझे, काफी अच्छा लग रहा है आपके साथ इंटरेक्ट करके। निबंध की थोड़ा बात कर लेते हैं, हम ऐसे की बात कर लेते हैं। तो उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, बोलिए। जैसे आप जरूर ये चीज मानते होंगे कि पॉल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इरिस्पेक्टिव आपका ऑप्शनल वो है कि नहीं, आपके पढ़ने एनीवेज बहुत जरूरी है, बिल्कुल। जैसे लिबरलिज्म हो गया, सही बात, कम्युनिज्म, बिल्कुल, मार्क्सिज्म हो गया। अब आप चाहे ज्योग्राफी के स्टूडेंट या मैथ्स के स्टूडेंट है, अगर आपने तीन चार टॉपिक्स नहीं पढ़े, अगर आपने प्लेटो, एरिस्टोटल, मार्क्स ये सब नहीं पढ़ा, हाँ, तो कहीं ना कहीं आपकी जीएस की प्रिपरेशन भी लैकिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि गांधी को पूरी दुनिया तलाशती है, जी सर, समझ रहे हैं ना, पूरी दुनिया गांधी की बात करती है 2 अक्टूबर को, आपको पता होगा, बिल्कुल सर। और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि 2 अक्टूबर का दिन सिर्फ किताबों में और छुट्टी मनाने के लिए है, राइट? लेकिन अगर हम गांधी जी को समझें कि उनका क्या रिलेवेंस था, या अम्बेडकर साहब का क्या रिलेवेंस था, क्या वर्तमान में उपयोगिता है उनकी, यूजेस क्या है, रिलेवेंस क्या है, क्या वो देखे गए, ये हम लिखेंगे एग्जामिनर को बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ना कि हम किताबों का वो गांधीजम लिख के आ गए और ये सब लिख के आ गए, ये आपको मार्क्स नहीं दिलाएगा, बिल्कुल नहीं देगा। और यहाँ जो हमने उनको थिंकर्स में इतना डिटेल पढ़ा, यही चीज जो हमने पर्सनालिटीज की बात की थी जब
जब हम GS1 डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे लगता है टीचर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में यहाँ हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। सब्जेक्ट और टीचर दोनों की आई थिंक यहाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप ओपी गोपा की किताब उठाएंगे और पता चला कि एक महीने में कुछ नहीं समझ में सर, एक महीना एक साल भी कम पड़ जाएगा, पड़ जाएगा है ना, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की, हाँ ऐसे कि हम लोग बात करना चाह रहे थे, निबंध की बात करना चाह रहे थे। निबंध का पेपर क्यों दिया गया है, क्या मतलब है इसका? सर ऐसे की पेपर की रेलेवेंस मेरे हिसाब से यहाँ पे आती है कि ये इकलौता एक ऐसा पेपर है जहाँ आपके माइंड का और आपके ओपिनियंस को रीड किया जा सकता है। आप कैसे चीज़ों को स्ट्रक्चर करते हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपका समाज को और सोसाइटी को देखने का और इन जनरल कंट्री को देखने का क्या व्यू पॉइंट है, वो व्यू पॉइंट आपका ऐसे में ही दिखता है। क्योंकि GS के आंसर इतने शॉर्ट होते हैं कि वहाँ पे इतनी फ्रीडम नहीं होती आपके पास कि आप अपना ओपिनियन रख पाएँ, ना ही एग्जामिनर के पास इतना उसमें स्कोप होता है कि वो ढूंढ पाए कि आपका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी कितनी है, जो 250 वर्ड में आप नहीं कर पाते, लेकिन डेफिनेटली वो 1000 वर्ड 1500 वर्ड में उन्हें भी खोजना आसान होता है और आपको भी अपना टैलेंट एक्सप्रेस करना ईजियर हो जाता है। मुझे लगता है कि निबंध वही व्यक्ति अच्छा लग सकता है जिसका जो मतलब जिसने चीज़ों को मतलब मन से और दिल से छुआ है। जी सर बिल्कुल, आप मेरी मतलब फीलिंग को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक लड़के को जो ज्ञान है, जो नॉलेज है उसको, लेकिन अगर उसने नॉलेज को जैसे मान लिया, फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ, बहुत सारे निबंध हैं जैसे आजकल फिलोसफिकल ऐसे भी बहुत सारे, सत्य जिया जाता है सिखाया नहीं जाता, एक ऐसे पहले निबंध आया अगर आपने देखा होगा, फिलोसफिकल ऐसे हैं, मैं सिर्फ फिलोसफिकल ऐसे की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेटेड हैं, या फिर हम भारत जो है नैतिक संकट की तरफ है, आर्थिक संकट की तरफ है, मॉरल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस, ऐसा भी एक निबंध था है ना। तो मतलब अगर इन निबंधों को ढूंढा जाए तो कुल मिला के व्यक्तित्व का परीक्षण इस ढंग से है कि आप कि सोच क्या है, सोच क्या है और आप सोच को प्रेजेंट कैसे करते हैं, करेक्ट, आपके आपके आर्गुमेंट क्या है, आपका फ्लो क्या है, आप कंटेंट क्या देते हैं, आप क्या एग्जांपल क्या देते हैं और क्या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, कहीं भटकते तो नहीं टॉपिक से, राइट? बिल्कुल है। तो अगर आप ये लिख पाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप पूरी जिंदगी का निबंध आप एग्जाम हॉल में जाके लिखेंगे तो पास तो नहीं हो पाएंगे। नहीं सर ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सारा जब तैयारी आपका हो जाए और आपकी नॉलेज हो जाए, फिर आप उसको लिखने का बार बार थोड़ा प्रैक्टिस करें, सीनियर को दिखाएं, तो अच्छा स्कोर किया जा सकता है। बिल्कुल सर, आई थिंक एसए का पेपर इज नथिंग बट अ लॉन्ग GS आंसर। अगर आपको वही GS की नॉलेज को आपको अच्छी तरीके से स्ट्रेटिफाई करके उसको एक फ्लो में लिखनी है, ताकि मुझे लगता है आपको 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 जैसे क्या बोलते हैं डेटा है, जैसे जनगणना के डेटा हैं, सेंसस हैं, आपको रिपोर्ट्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट्स हैं, ये आपको कुछ ना कुछ आर्गुमेंट के बेसिस पर तो आपको लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, भाई आपको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा एग्जामिनर को कि भाई ये मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए सही है, ये बोल रहा हूँ तो मैं इसलिए सही है, मतलब बात रखने का कोई एक एविडेंस तो होना चाहिए ना। जी सर, तब तो बात प्रूव होगी। मैं सर कंप्लीटली एग्री करूंगा, इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगा मैं अपनी एसए की प्रिपरेशन की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया एसए, जो मुझे बहुत हेल्प हुई। ऐसे एक ऐसा टॉपिक है अगेन जो कॉमन सेंस नहीं है, और अगर आप लास्ट दिन सोचेंगे कि मैं एग्जामिन हॉल में बैठ के एक बढ़िया सा ऐसे लिख दूंगा, वो हो नहीं पाएगा। ऐसे में भी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। इसकी एक स्ट्रैटेजी जो मैंने रखी थी, जो मैं आपको भी एडवाइस करूँगा, एक थीम्स बनाइए। जैसे 5 या 6 किस्म के टॉपिक्स या थीम्स को प्रिपेयर करें। सिंगल टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे तो थोड़ा कम रहेगा आपका स्कोप, थोड़ा ब्रॉड प्रिपेयर करें। जैसे एक एजुकेशन के ऊपर एक थीम बनाएं, एक विमेन इश्यूज़ पर थीम बनाएं, एक सोसाइटी पे थीम बनाए, ऐसे 5-6 किस्म के थीम्स बनाए। थीम जब मैं कह रहा हूँ तो इसको इस प्रकार से बनाए, जैसे 10 से 15 पेज का थीम होना चाहिए, जिसके अंदर आप अच्छे कुछ कोटेशंस कलेक्ट कर लीजिए, कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा कलेक्ट कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के क्रिएट कर लीजिए। जैसे अगर फैक्ट्स की बात करते हैं तो जैसे आप एजुकेशन में कर रहे हैं तो ASER रिपोर्ट उस साल आई है, उसमें क्या डेटा आया है, गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स लाई हैं एजुकेशन के ऊपर। अगर आपके पास इतना कंटेंट रेडी है और एजुकेशन पे कोई ऐसे आ जाता है तो आप उसको तोड़ मड़ोड़ के मैन्यूवर करके लगभग वो सारा अपना अच्छा कंटेंट यूज़ कर लेंगे और अपने ऐसे को थोड़ा रिच बनाएंगे। एट द सेम टाइम आप उसमें अपने ओपिनियंस और अपना एक फ्लो ऐड करते हैं। तो प्रिपरेशन के साथ अगर आप अपने ओपिनियंस को और नॉलेज को जोड़ें तो एक बेहतरीन ऐसे लिखा जा सकता है। मुझे लगता है कि लेखन के बाद ही, राइटिंग के बाद ही किसी आदमी का व्यक्तित्व को पता चलता है। बिल्कुल सर, आप उसकी पर्सनैलिटी को तभी समझ सकते हैं उसने कुछ लिखा है। लिखा है सर। तो आपने देखा होगा हरिवंश राय बच्चन या जैसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी मधुशाला लिखी है, आप समझ रहे हैं ना, तो मतलब कुछ तो था उनके पास, इसलिए पूरी दुनिया में छा गए। तो वो आपको निबंध में छा जाना है, छा जाना है। इनफैक्ट सर आपकी पर्सनैलिटी आपके एसे में दिख जाती है। बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है आपके इंटरव्यू मार्क्स और आपके एसे मार्क्स में बड़ा कोरिलेशन होता है। बिल्कुल, जो एसे में अच्छा एक्सप्रेस कर पाए। मुझे लगता है ये विषय एक ऐसा विषय जिसमें पढ़ना
बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मार्क्स आप ज्यादा अच्छे ला सकते हैं, मार्क्स आप ज्यादा अच्छे ला सकते हैं, है ना। तो थोड़ा इस टाइप का अप्रोच तो होना ही चाहिए बच्चे, बिल्कुल। और डिफरेंट टाइप के ऐसे लिखने की कोशिश करें, एक ही किस्म के ऐसे मत लिखें, क्योंकि काफी बार ऐसा हो जाता है कि चारों ऑप्शन फिलोसफिकल से, और मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्तित्व भी नहीं होना चाहिए कि मैं इसी पे लिख के आऊंगा। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं तो मुझे अन्याय कर रहे हैं, जस्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा सोच रहे हैं कि इसी पे लिखूंगा या इस पे नहीं लिखूंगा, ऐसा नहीं सोच, साहब मैंने तैयार किया तो वही आया, ये तो तैयार नहीं किया तो फिर वैसा मत करिए, वैसा नहीं करना है। उस वक्त आपको इंटरेस्टिंग लगा, जिस पे आपके पास कंटेंट ज्यादा हुआ, ओपिनियन ज्यादा हुआ, उसको उठाना चाहिए। और मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज में जो लड़का इस एज में होता है तो उसके व्यक्तिगत जीवन के भी तो अनुभव होते हैं, बिल्कुल। और व्यक्तिगत जीवन के अनुभव होते हैं बहुत सारे, मतलब जो है उसके अप एंड डाउन लाइफ के होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो दिल को छू के लिख सकता है, वो एग्जाम को टटोल सकता है, बता सकता है कि क्या मतलब वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, सहमत है ना? मैं कंप्लीटली, हाँ हाँ, क्योंकि भाई जो एग्जामिनर होगा उसकी एज 50 से ऊपर तो होगी होगी, और उसको उसके मनोविज्ञान को, उसके साइकोलॉजी को समझना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है व्यक्ति के लिए, बहुत बड़ा। क्यों, मैं कंप्लीट, हाँ, तो निबंध के लिए बस मेरा कंक्लूजन ये है कि बच्चा अच्छे से पढ़े, सोच अच्छी बनाए, अच्छा व्यक्तित्व तो रखे, लिखने का प्रयास करे, बार बार लिखे, और एक समग्र दृष्टिकोण उसका होना चाहिए, उसके व्यक्तित्व में वो बात होनी चाहिए कि जिसको वो प्रेजेंट कर सकता हो ठीक से, ठीक है ना? बिल्कुल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है मुख्य परीक्षा के लिए एक अंतिम बात ये है, अंतिम तो नहीं कहूंगा लेकिन एक दो सेंटेंस और होंगे, मुख्य परीक्षा में आंसर कैसे लिखा जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है मुख्य परीक्षा में, कि पॉइंट्स में लिखा जाए कि पैराग्राफ में लिखा जाए, ये प्रश्न का आंसर आप दीजिए। सर एक आंसर राइटिंग एक टर्म है जिसको बहुत ज्यादा कहा गया है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, आंसर राइटिंग जो मेरे को बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज होती है, बहुत टेस्ट सीरीज होती है, क्लासेस होती है आंसर राइटिंग, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा है कि हुआ सा बना रखा है कि आंसर राइटिंग, आंसर मैं तो कहता हूँ दिल की बात बस लिख दो। जी सर, अगर आपके पास कंटेंट है तो आप आंसर लिख ही देंगे, लिख ही देंगे। आंसर राइटिंग तब रोल में आती है कि जब आपके पास कंटेंट नहीं है तब भी आपको आंसर क्रिएट करना। और मैं तो एक चीज यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे कहना चाहता हूँ, जी सर, आप वहाँ क्या लिखेंगे आपको भी नहीं पता है, बिल्कुल है, और आप कितना भी कोशिश कर लें वहां पर जाके ये मैकेनिज्म फेल होने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इस भ्रम में बिल्कुल मत रहें आपकी मैं ऐसा ही लिख के आऊंगा, ऐसे ही लिख के आएंगे, जी सर एग्री है ना? कंप्लीटली। दिल की बात लिखिए, जो आपने पढ़ा है वो आप टू दी पॉइंट, टू दी पॉइंट एक्सप्रेस करके आ जाए, क्योंकि आप अच्छा। दूसरी बात है कि बच्चे कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखते हैं, कुछ छोड़ के आ जाते हैं, तो ये तो क्वालिफाई नहीं हो सकता। नहीं सर, मेरे हिसाब से आई थिंक गेम आप वहीं हार जाते हैं जब आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो असली विनर वही है जो 20 के 20 क्वेश्चन ट्राई करे। मेरा क्या स्टाइल रहता था, मैं यूजुअली पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता था। फर्स्ट 1 घंटे में मैं पहले वो 6 क्वेश्चंस करता था जो मुझे बहुत अच्छे से आते थे, जिसमें एग्जामिनर को कोई गलती निकालने का स्कोप ना मिले। नेक्स्ट मैं वो 7 क्वेश्चंस करता था जहाँ मेरे को एक अच्छा आइडिया था, बट मैं बहुत ज़्यादा श्योर भी नहीं था, बट हाँ डेफिनेटली मुझे अच्छा आइडिया था। एंड लास्ट में मैं वो क्वेश्चंस उठाता था जहाँ कम आइडिया था या बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन उनमें भी मैं अपना जो भी नॉलेज बेस है उसको यूज़ करके एक आंसर ज़रूर लिखता था। तो लेकिन ऐसा करने के लिए आपके पास उतना टाइम होना चाहिए, और वो टाइम तब आएगा जब आपकी एक राइटिंग स्पीड होगी, जब आपने इनफ टेस्ट दिए होंगे और आप 3 घंटे में पेपर पूरा कर पा रहे हैं। तो 20 के 20 क्वेश्चन टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब आपका सजेशन ये है, आप बच्चों से ये देना कहना चाह रहे हैं कि बच्चे कोशिश करें पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, बिल्कुल, और ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि क्वालिटी भी दिखनी चाहिए, हाँ। और आपने सारे अटेम्प्ट कर दिए तो सही होगा, ऐसा नहीं है, नहीं, नहीं, न्याय तो होना चाहिए, क्वालिटी जरूर दिखनी चाहिए, जो आपको अच्छे से आते हैं उसमें आप अपनी क्वालिटी जरूर दिखाएं, और क्वालिटी आप तभी दिखा पाएंगे जब आपकी रियल नॉलेज होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, और आप उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि लिखने के बाद व्यक्तित्व बनता है, इसका समरी तो यही है, करेक्ट। तो मुख्य परीक्षा के लिए मैंने आपको बताया, हम चलते हैं अब साक्षात्कार की तरफ, इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। तो जहाँ तक मुझे मानना है कि सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू मुख्य परीक्षा के साथ भी तो काम चलाया जा सकता था, लेकिन इंटरव्यू का क्या ऑब्जेक्ट है? इंटरव्यू का ऑब्जेक्ट ये है कि व्यक्तित्व परीक्षण है, क्योंकि साफ साफ आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि सतही ज्ञान, सुपरफिशियल नॉलेज को आपको ध्यान नहीं दिया जाएगा मुख्य परीक्षा में। और दूसरी बात ये बताया गया है कि जो पर्सनैलिटी जो टेस्ट है, व्यक्तित्व जो परीक्षण है, उसमें किताबी ज्ञान या ज्ञान का भी आपका टेस्ट नहीं है, ये आपके व्यक्तित्व का ही परीक्षण है। बिल्कुल, इसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सर एक्चुअली मैं अपने अनुभव से बताना चाहूंगा, जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो मेरे चेयरमैन ने सबसे पहले कह दिया था, आप बोर्ड का नाम बताएंगे? मेरे बोर्ड थे भोंसले सर, पैनल था मेरा, एंड भोंसले सर ने स्टार्टिंग में ही मतलब बिल्कुल बता दिया था कि इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप सारे सवाल के सही जवाब दें, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है जी। लेकिन आप ये पॉइंट ज़रूर बनाइए कि जो सवाल के आप जवाब दे रहे हैं आप वो अच्छे से दें, उसमें आप अपना पर्सपेक्टिव ज़रूर रखें। तो सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें जान के अच्छे से एक्सप्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। द पैनल देर इज़ लुकिंग फॉर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, वो देखना चाह रहे हैं कि आप ब्लफ तो नहीं करते हैं,
क्योंकि अगर आप आज क्वेश्चन में ब्लफ करते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं कल की सर्विस में भी रिफ्लेक्ट होगा बिल्कुल, कि आप यहाँ पे तुक्का मार रहे हैं, यहाँ यहाँ पे आप ब्लफ कर रहे हैं, तो आप यहाँ प्रिंसिपल से नहीं चल रहे तो कल आप वो जॉब में भी नहीं करेंगे। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कुछ मोस्टली पर्सनालिटी बेस्ड होती है, जो आप डैफ भरते हैं आई थिंक वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ही आपका इंटरव्यू आधा रिवॉल्व करेगा, आपकी हॉबीज, आपकी स्कूलिंग, जो जो टर्म्स आप अपने डैफ में लिख रहे हैं आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, आपको अपने स्कूल का नाम का क्या मतलब है, अपने नाम का क्या मतलब है, यहाँ तक कि मेरे से मेरे एड्रेस के बारे में हर एक टर्म पूछा गया था कि उस एड्रेस में उस एक पर्टिकुलर टर्म का क्या मतलब है, उस ब्लॉक का क्या मतलब है, वो किसके नाम पे था, वो व्यक्ति क्या स्पोर्ट्स खेलता था। तो आपके डैस्क के ऊपर आपकी 100% रिसर्च होनी चाहिए, आपकी हॉबीज़ पे आपके 100% रिसर्च होनी चाहिए, वहाँ कोई भी आपसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखा जाएगा। उसके अलावा आपकी जो भी जीएस की नॉलेज है, जो भी करंट अफेयर चल रहा है, उसका आपके ऊपर एक ज्ञान ज़रूरी है, और सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज नहीं है, वो आपसे ही नहीं पूछेंगे कि PNB स्कैम क्या था, वो सबको मालूम है, वो आपसे पूछेंगे कि क्या कमियाँ रह गई, और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए ब्यूरोक्रेट, आप फ्यूचर में क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं या आप क्या इनोवेटिव लाएंगे। जो हो रहा है वो तो हो रहा है, क्या स्कीम्स चल रही हैं वो सबको पता है, वो चाहते हैं कि आप ऐसा क्या नया करेंगे सिस्टम में आके। सही बात है, आपने सही कहा कि जो जो साक्षात्कार है, जो इंटरव्यू है, जब हम जाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो कंपटीशन लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। जी जी सर। क्योंकि आपको पता है जितने भी लोगों ने मुख्य परीक्षा या मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, निश्चित रूप से मतलब जो है टैलेंटेड तो है ही। बिल्कुल सर। तो धीरे धीरे आपका जब लेयर है वो बहुत कमजोर वैसी होती जाती है, महीन बोलते हैं उसको हिंदी में, राइट, थिन लेयर होती चली जाती है, और वहाँ पे आपका कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको ये जरूर समझना होगा कि हम अपनी बातों को कैसे रख पाते हैं और कैसे रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जहाँ तक नैतिकता की बात है, मॉरेलिटी की बात है, ईमानदारी की बात है, या सब्जेक्ट ज्ञान है, या आपका जो करंट अफेयर्स का नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज के व्यक्तित्व को समझते हुए प्रेजेंट करना चाहिए। बिल्कुल सर, आप मेरी बात समझ चुके हैं। सर, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है पर्सनालिटी टेस्ट में आजकल इतने कम और इतने ज़्यादा मार्क्स दिए जा रहे हैं कि बड़ा मेक और ब्रेक बन चुका है। बिल्कुल, इंटरव्यू से मतलब मैं खुद एक मेरे फ्रेंड को जानता हूँ जिसके मेंस में मेरे जितने इनफैक्ट मेरे से एक मार्क ज़्यादा था, बट ही कुड नॉट फाइनली मेक इट टू द लिस्ट क्योंकि इंटरव्यू में इतने कम मार्क्स थे। तो इसलिए इंटरव्यू इज़ द फाइनल लैप, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लैप। जब तक आप इसको पार नहीं करेंगे आप लिस्ट में आ नहीं सकते, तो इस पर फोकस ज़रूर रखें। और ये मेरा मानना है कि एक आपसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन या सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनको ज़रूर अच्छे से आंसर किए जाएंगे। जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आपने एक आध मिस भी कर दिए तो आपको बोर्ड इतना जज नहीं करेगा, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे हैं कि किसी से भी गलती हो सकती है, कभी किसी से स्किप हो सकता है। लेकिन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चन को ज़रूर कोशिश करें अटैम्प्ट करने का। जैसे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पर मुझे एक सिनेरियो दिया था जिसमें मैं दिल्ली जल बोर्ड का कमिश्नर था और एक क्राइसिस के बारे में बात की गई थी और फ्यूचर में किस तरीके से उसको हैंडल किया जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप अपना थोड़ा टाइम लीजिए, अपनी अप्रोच बनाएं और उसको अच्छे से आंसर कीजिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दीजिए और एक बैलेंस्ड आंसर दीजिए, और ऐसे क्वेश्चंस को स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ जब आप स्किप करते हैं तो डेफिनेटली ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं चाहिए और वहाँ आपको पैनल जज करेगा। तो इस प्रकार से आप प्रिपरेशन करें और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं, एक स्माइलिंग फेस रखें, घबराए ना, बिकॉज इंटरव्यू पैनल चाहेगा आपको स्पॉट पे डालने का। कुछ कुछ बोर्ड जैसे हैं जो आपको बहुत प्रेशराइज करते हैं और वो देखना चाहते हैं कि जब आपको प्रेशराइज करें या जो ऐसी चीज़ जो आपको नहीं आती है आपसे पूछी जाए तो आप किस तरीके से आंसर करते हैं। मेरे कितने ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल करके सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट एंड आई शुड रीड अबाउट इट ऐसा बोल बोल के भी 170-180 मार्क्स स्कोर किए हैं। सो इट इज़ मोर ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट दैन नॉलेज टेस्ट, जैसे सर ने बताया। मुझे लगता है कि व्यक्तित्व परीक्षण पर्सनैलिटी की जहाँ तक हम बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ पर्सनैलिटी से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, आपने देखा होगा, और कभी कभी ऐसा लगता है ये पर्सनैलिटी कैसी है, मतलब जो है ऐसा है। तो मुझे लगता है कि मेरा आंसर आप समझ चुके होंगे कि इंटरव्यू जो पैनल है उस बोर्ड को आपके व्यक्तित्व ऐसा लगना चाहिए कि आप नहीं, आप ही हैं उसके लिए, आप ही बने उसके लिए, यही मैं बताना चाहता हूँ। क्या आप सहमत है ना मेरी बात सर? आई थिंक इंटरव्यू पैनल के हाथ में पावर इतनी पावर हो जाती है काफी बार, अगर वो 200+ मार्क्स किसी नहीं, आप ये सोचें जी हाँ करके होगा तो इससे काम नहीं चलने वाला है। बिल्कुल हाँ हाँ, कि आप आपने यस सर और यस सर करके आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे, ओपिनियन पुट फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट अगर देखिए वहाँ पे लोग इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं, इंटेलेक्चुअल, उनका इतना लाइफ का इतना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। और देखो किसी के व्यक्तित्व को 20-30 मिनट में तो आप जज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसकी थोड़ा सा एक चिंगारी तो निकाल सकते हैं, राइट, थोड़ा सा उसकी जो धधक तो देख सकते हैं कि उसमें क्या है, क्या है, तो समझ रहे ना, तो यही वो देखना चाहते हैं। जी सर। तो वो चिंगारी वही दिखाएगा जिसमें चिंगारी होगी, जिसमें चिंगारी नहीं होगी उसको
चिंगारी लाई नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। क्यों? बिल्कुल सर, आई थिंक मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और एक और मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि एक ऑनेस्टी आपके आंसर्स में झलकनी चाहिए, एक एंथुसियाज्म होना चाहिए आप में, वो एक यंग ब्यूरोक्रेसी वाली बात होनी चाहिए कि जो मैं चेंज ला सकता हूँ। इस टाइप के वो कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं। आप सिस्टम में आने के बाद तो जरूर लोग बदल जाते हैं और ढल जाते हैं विद एज इन टाइम, बट अगर आप शुरू में ही ऐसी अप्रोच रखें कि सर ऐसा तो होता ही और करना ही पड़ेगा, तो आपको पिनलाइज करेंगे। आपके अंदर वो एक स्पिरिट होना चाहिए, एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ। दैट इज द काइंड ऑफ यंग ब्लड दे आर लुकिंग। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो देते हैं आपके कारण नहीं हुआ, इसके कारण नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। सिविल सर्विसेज में जाके भी वही करेंगे, बिल्कुल वही करेंगे। तो हमें हमें अपने कमजोरियों को नहीं देखना है, हमें ये देखना हम क्या कर सकते हैं, राइट। कम से कम, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल मुझे कम दिख रहा है, अब मुझे कम दिख रहा है तो फिर कम दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके पीछे पड़ जाऊं। अब मैं उसमें उस दिन में उस सिचुएशन में क्या कर सकता हूं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सिविल सर्विसेज में ऐसे चैलेंज हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं। तो मुझे लगता है ये इसी का परीक्षण है, ना कि मतलब जो है आपके नॉलेज का टेस्ट है, क्योंकि तो ऑलरेडी हो चुका है, है ना। वो यही जानना चाहते हैं कि क्या आप एबनॉर्मल सिचुएशन में क्या आप नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या क्या आप इंटेलेक्चुअल हैं इस हिसाब से कि नहीं है, कि आप चीजों को हैंडल कर सके ब्यूरोक्रेसी में जाके, यही वो जानना चाहते हैं। और मुझे लगता है यही पूरी दवाई है उसकी, मेडिसिन पूरा उसका यही है कि आप जैसे हैं वैसे बने रहें, राइट। सुपरफिशियल ना बने, बिल्कुल मत बने, बनावटी मत बने, राइट। आपको जितना आता है उतना आता है। आप आपके माता पिता की तरह हैं, आपके गुरु की तरह हैं, आप उनके से बड़े की तरह हैं, आपके साथ वो सीनियर हैं, आप उनके साथ बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करें। और मुझे लगता है कि कुछ भी ऐसा ना बोले कि जो कि लगता हो कि नहीं साहब मुझे ही आता है सब कुछ, राइट। और अगर आप संयमित होकर उनसे बात करते हैं और एक इंटेलेक्चुअल पर्सन की तरह बात करते हैं, और सब चीज़ों में अपना ओपिनियन आपने डिसाइड किया कि नहीं सर ऐसा होना चाहिए, राइट, चाहे वो जितने भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं, चाहे टेररिज्म हो, चाहे वो रेडिकलाइजेशन हो, मालदीव का इशू हो, आपका एक ओपिनियन तो होना ही चाहिए। बिल्कुल सर, एक ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वो आपको ओपिनियन मांगेंगे और वो स्ट्रेस करेंगे कि आपका ओपिनियन क्या है। और मुझे लगता है ऐसे 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 एरियाज पे ज्यादा फोकस करेंगे, वो कमजोरी देख लेंगे कि आपकी कमजोरी क्या है। बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि इंटरव्यू थोड़ा उधर ही ले जाने की कोशिश करते हैं, वहां देखते हैं कि आप डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं। बिल्कुल सर। ये आई थिंक वो ड्राइव करेंगे उस चीज पे, आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाला जाएगा बाहर। अगर आप किसी एक टॉपिक में बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं तो वहां आपसे सवाल पूछने बंद कर दिए जाएंगे और आपको एक अलग डायमेंशन में सवाल पूछने चालू किए जाएंगे। और जब आप थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लग जाते हैं तब वो चेक करते हैं आप कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएंगी जब सर्विस में भी आप अनकंफर्टेबल होंगे, जब आप पे प्रेशर डाला जाएगा, तो क्या आप उस प्रेशर को सकम कर जाते हैं या आप उस प्रेशर से उभर आते हैं। तो वो चीज़ आई थिंक इंटरव्यू पैनल जरूर देखता है। अगला प्रश्न मेरा ये है, बहुत ज़्यादा मैं मतलब जो आपका समय ले रहा हूँ। नहीं सर। अगला प्रश्न मेरा ये है कि जो लड़का सिविल सर्विसेज की तैयारी, क्या क्या मतलब पॉसिबिलिटीज है कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, और कैसे वो अपने आप को सिक्योर करे कि नहीं मैं मतलब सिलेक्ट हो जाऊँगा। देखिए, विश्वास बनाए रखना जरूरी है, विश्वास बनाना बहुत जरूरी है। अनप्रडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस एग्जाम में, और मैं ये भी कहूँगा कि लक फैक्टर भी कहीं ना कहीं है, लेकिन आपको अपने ऊपर एक विश्वास होना चाहिए। अगर आप फील करते हैं कि आप कर सकते हैं तो शायद कोई नहीं रोक सकता। आई मीन द ओनली पर्सन हु कैन मोटिवेट यू इज़ योर सेल्फ। आपको खुद अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। एंड अगर आप उस जर्नी पर चल रहे हैं जहाँ इतने सारे कठिनाइयाँ हैं, इतने कांटे हैं, मतलब आप वही कहना चाहते हैं कि जो आसमां में छेद हो सकता है लेकिन पत्थर जो है तबीयत से उछालो यार, हो बिल्कुल, वो जो कहावत है ना, जी, मतलब था उसी तरीके से थोड़ा मतलब काम करना है। लक को लोग कहते हैं तो मैं कहता हूँ आप एक बार अनलक्की हो जाएंगे, दो बार होंगे, कितनी बार अनलक्की होंगे, कभी तो लक आपके साथ भी होगा ना। सही बात है, सही बात है। कभी लक को तो आप मतलब जो है खींचेंगे, तो कितना दोष आप लक को दें। तो मेरे को लगता है अगर आप सही तरीके से मेहनत कर रहे हो, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पहली नहीं तो दूसरी बार में तो आपका हो ही जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब यही मैसेज आप बच्चों को देना चाह रहे हैं कि लगे रहें, अपने ऊपर भरोसा रखें, और बाकी लोग क्या कहते हैं इस पे आपको कोई भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आप दूसरों को दिखाने के लिए आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं, आपको ही सक्सेस होना है। तो इसलिए जो है आप अपने ऊपर भरोसा रखें, और जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे उस दिन पता ही चल जाएगा। और ये जितनी कठिनाइयां आप अभी क्रॉस कर रहे हैं, जितना आप फ्रस्ट्रेशन, जितना टफ टाइम्स, जितना डिलेमा आप अभी फेस कर रहे हैं, यही सर मोमेंट बाद में आप चेरिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक तो चीज है कि कहीं ना कहीं ईश्वर में तो भरोसा रखना होगा। बिल्कुल सर, है ना, बहुत क्यों ऐसे नास्तिक तो नहीं हो सकते हैं कि नहीं साहब भगवान कुछ है ही नहीं। देखो हम फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जैसे मान लिया जो द्रोणाचार्य थे, राइट, वो गए थे, उन्होंने अंगूठा काट लिया था, ऐसा कुछ आपको ये सब पता है ना। हम थोड़ा उस मोड में नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि जो लड़का तैयारी करता है उसको गुरु में, भगवान में, सब में भरोसा करके, ऑनेस्टी में तैयारी करके, तब वो आगे बढ़ सकता है। एक फेथ होना चाहिए अपने ऊपर, अपने टीचर्स में, और जनरली इस एग्जाम के ऊपर भी।
जब तक आप में वो फेथ नहीं होगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे चलना। आप हर दिन सुबह उठ के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हर जगह लॉजिकल रीजनिंग में चलेंगे, लॉजिकल रीजनिंग में चलेंगे तो मुझे लगता है कि फिर आप दार्शनिक बन जाएंगे और लॉजिकल रीजनिंग में ही फंसे रहेंगे आप। जी जी है कि आप डेकार्ट्स थे, एक फिलोसफर थे, वो बोलते थे कि मतलब जो मैं हूँ या नहीं हूँ इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना है, राइट। तो इस तरीके से जो है मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, ऐसा डेकार्ट्स बोलते थे। तो मुझे लगता है इतना फिलोसफर बनने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है एक माइंड में एक बात क्लियर हो रहा है कि एग्जाम तो देखो क्लियर होना है, इट्स जस्ट द आई मीन क्वेश्चन ऑफ व्हेन, आज या कल या परसों होना तो है ही। तो किस्मत से ज्यादा और किस्मत से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं है, लेकिन रगड़ना हमारा काम है। सही बात है, बिल्कुल सही। तो हम प्रयास तो करना है। गीता, गीता की जो बात है, गीता में लिखा हुआ है कि कर्म करते जा, मुझे लगता है आज भी प्रासंगिक है। निष्काम कर्म की जो बात है वो हमें जरूर फॉलो करनी चाहिए और हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। एंड आई थिंक एक पॉइंट के बाद ऐसा हो जाता है, आज की युवा पीढ़ी कहीं मतलब मुझे लगता है जल्दी सब कुछ आ रही है कि उसको जल्दी कुछ मिल जाए, काम नहीं करना चाहते। मैं ये आलोचना के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं इस पर एक लाइन कहना, मैं यूथ को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि बेटा काम करो, राइट। मैं यूथ मतलब जो है हमारा यूथ पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, एक लाइन में कहना चाहूंगा कि हमारी यूथ के साथ एक प्रॉब्लम है कि एवरीबडी वांट्स द प्राइस बट नोबडी वांट्स टू पे द प्राइस। हर कोई प्राइस चाह रहा है लेकिन कोई प्राइस नहीं देना चाह रहा। तो इस प्राइस की जो सर्विस में सिलेक्शन प्राइस हो गया आपका, और इसके लिए जो प्राइस पे करनी है वो आपको इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं जबकि हार्डवर्क में पे करनी है, और ये मेहनत आपको प्राइस के टर्म में पे करनी है जो बहुत पे करनी है। तो अक्सर लोग कहते हैं सर हमने इतनी कभी पढ़ाई की नहीं लाइफ में, तो मेरा यही जवाब होता है तो आपको भी डीएम भी तो नहीं बने। सही बात है, सही बात है। तो जो चीज आप चाह रहे हैं लाइफ में उसके लिए आपको इतना इनपुट तो देना ही पड़ेगा और तभी आप सक्सेस की राह पे जा पाएंगे। गांव में बहुत सारे लोग दूसरों को बोलते हैं कि भाई ये तो बन गए एसडीएम, ये तो ये बन गए डीएम, ऐसे आलोचना करते हैं। मुझे लगता है इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको आपको अपने लक्ष्य को तय करना है, आपको अपना कार्य करना है, अपने कार्य में आप ध्यान दीजिए। मुश्किलें तो तमाम आएंगी, हर चीज किसी को जो है गिफ्ट में नहीं मिलती है, हर चीज संघर्ष करना पड़ता है, है ना। सबकी जर्नी अलग रहती है। और आपसे इंटरेक्ट करके तो मुझे इनफैक्ट ये भी लगा कि जैसे मेरा पर्सनली ये मानना था कि एक पॉइंट के टाइम आप सिलेबस और एग्जाम से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं और आप एंजॉय करने लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप उस सब्जेक्ट से मजा आने लग जाता है, आप उससे प्यार करने लग जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अल्टीमेटली फिर वो नॉलेज जो आप गैदर करते हैं वो आपके आंसर्स में, आपके एग्जाम में, फिर आपको सर्विस और जॉब तो मिल ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बट उस प्रोसेस को एंजॉय करना बड़ा जरूरी है। एक बार मैं इंटरव्यू देख रहा था गौरव अग्रवाल जी का, जी जी जी, जो आईएएस टॉपर रह चुके हैं, तो उन्होंने ये कहा था, मुझे सेंटेंस हमेशा याद रहता है कि आप आईएएस की तैयारी को एंजॉय कीजिए। आप अगर आप एंजॉय करेंगे तब आपको कुछ मिलेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, इतना घंटे पढ़ना है, तो मुझे लगता है कि उससे सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आप घंटे में नहीं उसको काउंट कर सकते हैं। ये एक मजा है जो मतलब जो आप पढ़ते समय आपको मिलेगा। मिलेगा सर, जैसे एक कहावत है, कोट कहते हैं, टू प्ले द गेम इज ग्रेट, टू विन द गेम इज ग्रेटर, बट टू लव द गेम इज ग्रेटेस्ट। तो जब तक आप गेम से या उस प्रोसेस से एक्चुअली लव में नहीं चले आते या उस प्रोसेस को आप एंजॉय नहीं करते, उसको फील नहीं करते, मतलब जैसे मुझे पढ़ के तो इंटेलेक्चुअली बहुत मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर चाय बनानी है तो पानी और चीनी वगैरह की जरूरत नहीं है, आग भी जलनी चाहिए, मतलब सब कुछ होना जरूरी नहीं है, उसके लिए आग जलनी चाहिए और टेम्परेचर भी होना चाहिए। जी सर बिल्कुल, एक इंटेलेक्चुअल प्लेजर भी नाम की कुछ चीज होती है। कुछ चीजें पढ़ के बड़ा मजा आता है, जब आप फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे आपको पता लगेगा आपकी देश की कितनी ग्लोरियस हिस्ट्री है, राइट। ये जान के एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। फिर आपको थोड़ा बांटना भी तो होगा कि भाई ये तो रेवोल्यूशनरी थे, ये तो समाजवादी थे, इनका तो चिंतन कुछ और था, ये अंबेडकर साहब क्यों मतलब जो है गांधी जी से कॉन्फ्लिक्ट करते थे, खासकर सर इंजीनियर्स के साथ जिन्होंने ऐसी चीजें लाइफ लॉन्ग पढ़ी हैं जो कभी देखी ही नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी यही चीजें हम पढ़ते रहते हैं जो कभी देख ही नहीं पाते। तो जब हम सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें हम डे टू डे चीजें पढ़ रहे हैं और हम उसका एप्लीकेशन देख सकते हैं और समझ सकते हैं, वो एक अलग ही लेवल की एंजॉयमेंट देता है सर। मेरा नाम सौरभ सबलोक है एंड आई हैव सिक्योर्ड 124 रैंक ऑल इंडिया एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन राज्यसभा सेक्रेटेरिएट। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगा रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड द स्ट्रैटेजी दैट यू मस्ट फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करें, क्या नहीं पढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखें एंड हैव द फेथ एंड बिलीफ इन योर सेल्फ दैट यू कैन अल्टीमेटली अचीव इट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ टफ स्ट्रगल, इट इज़ अ लॉन्ग स्ट्रगल, एक लंबी जर्नी है, एक दिन की या दो दिन की जर्नी नहीं है, एक एग्जाम नहीं है, मल्टीपल एग्जाम्स हैं विच गोज फॉर अ यू नो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पूरा एक साल चलता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप इस पूरी जर्नी में मोटिवेटेड रहें एंड आप दोबारा रीअपियर होने की भी स्ट्रेंथ रखें बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व। सो हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड स्मार्ट वर्क जो आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम वक्त में हमें ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है,
ज़रूरी नहीं है कि आपको 5-6 अटैम्प्ट लगेंगे एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो इस प्रोसेस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप 1 साल में एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हैं, 2 साल में, कि आप राइट डायरेक्शन में जाएं और आपको राइट गाइडेंस मिले। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई एक सिंगल कोचिंग सेंटर या कोई एक सिंगल हब बनाना ठीक नहीं रहेगा कि आप डेली नहीं जाएं तो क्या आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं कि नहीं। ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है या जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अग्री करेंगे मेरे साथ कि कोई एक सिंगल कोचिंग या सिंगल सिटी पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आज के टाइम पे इन द टाइम ऑफ इंटरनेट एंड इन द टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन आप किसी भी कॉर्नर ऑफ द कंट्री में बैठ के आप इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पैराडाइम IAS से कनेक्टेड हैं या कनेक्टेड होना चाहते हैं, दे आर अंडर सेफ हैंड्स ऑफ मिस्टर अम्बरीश, जो कि बहुत अच्छे मेंटर और गाइड हैं। एंड आई हैड द प्लेजर टू इंटरेक्ट विद हिम एंड इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल साइंस एंड जनरल स्टडीज़। उसका एक बहुत बढ़िया इनको कॉम्बिनेशन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ सर। एंड क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत इंटर रिलेटेड हैं, जनरल स्टडीज़ के बहुत सारे सब्जेक्ट्स और पॉलिटिकल साइंस, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको एक इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिले तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक राइट पाथ अपने लिए चूज़ करें और एक राइट डायरेक्शन और स्ट्रैटेजी में गाइडेंस लें। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू।